और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम लोग। एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? मेरी आवाज आ रही है? यस या थैंक यू थैंक यू। ओके या त्रिपाठी सर, कैन यू ऑन योर वीडियो? यस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आपका। आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ये हाँ, अनम्यूट कीजिए। यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड सुनील सिंह सर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ गणेशन जी, गुड मॉर्निंग। गौर साहब अनम्यूट कीजिए प्लीज। गौर साहब अनम्यूट कीजिए। आपको थोड़ा सा कैमरा थोड़ा नीचे करिए, आपका सिर्फ चश्मा दिख रहा है। हाँ थोड़ा नीचे करिए, आपका पूरा चेहरा दिख रहा चाहिए ना। गुड हाँ जी हाँ जी हाँ जी मॉर्निंग जी योगेश साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। या गुड मॉर्निंग एंड वी आर रियली हैप्पी वी आर मीटिंग अगेन आफ्टर मंथ या ऑफ टू आफ्टर गैप ऑफ 2 months। नो लास्ट दिसंबर वी हैड। अंचल, वी विल हैव दिस सेशन नाउ एवरी ऑल्टरनेट मंथ सेक्टर वाइज। ओ आपका जो यस जी प्लानिंग है, फर्स्ट जी मीटिंग वी हैड दैट वाज ऑन अ वाइड स्केल, ओके एंड या नाउ एवरी सेकंड मंथ सेक्टर वाइज, वेन योर पीपल जी स्पेसिफिक, हाँ दैट इज वेरी जी गुड आइडिया। चलिए जी सर, जी आगे। टॉपिक स्पेसिफिक। सो टुडेज टॉपिक इज व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स, टुडेज टॉपिक यू नो वेरी वेल, वेंडर डेवलपमेंट मीट टू ऑन GeM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन ONGC फॉर स्पेशली फॉर यस यस द एंटरप्रेन्योर्स। इसके बारे में बहुत सारा लास्ट जो मीट हुआ था उसमें हम बता चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मैंडेट है कि MSMEs को प्रमोट करना है, और खासकर उसमें से भी जो तबका है, जो वंचित तबका है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है बहुत सारे उसमें। उसमें उनको कंसेशंस है बहुत सारा उसमें, और भी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो मिस्टर DV सुब्बाराव वो भी हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं। ही इज सीनियर जनरल मैनेजर इन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ही इज ऑल्सो पोस्टेड इन न्यू दिल्ली। सो ही विल बी गाइडिंग कि इसमें लोन जो जो बैंक्स और जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैसे उसमें उसमें क्या क्या कैसे दे सकते हैं। सो लेट अस होप दिस प्रोग्राम विल बी अ नाइस वन, एंड एवरीबडी दोज हु हैव ज्वाइन दिस प्रोग्राम दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन एंड वेस्टर्न ऑफशोर यूनिट ONGC मुंबई, आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस नाइस गैदरिंग। सो टू स्टार्ट द प्रोग्राम, सबसे पहले हमारे RLO है श्री M गणेशन जी। ही इज अवर रीजनल लाइसन ऑफिसर फॉर SC ST इन मुंबई। ही इज पोस्टेड इन मुंबई। ही GM HR। सो आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज वेलकम दी डिग्नेटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ ONGC मुंबई। गणेशन साहब वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। इट इज इंडीड माय प्लेजर टू वेलकम यू ऑल, स्पेशली आवर ग्रुप जनरल मैनेजर, हेड रीजनल ऑफिस, सुनील सिंह साहब, त्रिपाठी साहब, मिस्टर एनडी गौर साहब, माय फ्रेंड एंड चेयरमैन ऑल SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, मिस्टर जागेश सोमकुमार, मिस्टर आर एन रघुनाथ गरगांवकर साहब, सेक्रेटरी एसोसिएशन, एंड ऑल अदर माय कोलीग्स एंड द पार्टिसिपेंट्स। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू से दैट द एसोसिएशन इज टेकिंग अप सो मच ऑफ एक्टिविटीज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC ST कम्युनिटीज। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन एट लीस्ट इन आई कुड सी इन द लास्ट 3 ईयर्स। जिस टाइप of this vendor meet, particularly on this topic, the government e-marketplace, this is the third of its sequence. Large number of beneficiaries have taken the benefits in the last 2 occasions. This time also I could see the more number. We extend full cooperation to the association for such type of activities, and I wish them to organize much more programs
in this regard, as stated by Tripathi Saab, I wish the program a grand success. With this, I welcome you one and all to this program. Thank you. Thank you very much, Ganeshan Saab, for your nice word about association. Yes, we are committed to do social service. और उसमें ONGC का हमारे कंपनी का नाम, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी मदर है, उसका नाम कैसे रोशन हो, उसका आम पब्लिक में ONGC का कैसा अच्छा एक इमेज बने, उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयत्न रहते हैं और ये हमारा सबका प्रयत्न है. सो वी आर रियली थैंकफुल टू, बिकॉज योर ऑफिस, RLO ऑफिस इज ऑलवेज हेल्पफुल, एंड यू आर एक्सटेंडिंग एवरी काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम. सो वी आर रियली थैंकफुल टू मिस्टर गणेशन जी. Thank you, and now it's time to invite our HRO sahab, Shri Sunil Singh sir. Sunil Singh sir, ONGC Mumbai में हमारे head है regional office के, उनको मैं यहाँ invite कर रहा हूँ introductory address के लिए. Sunil Singh sir, please go ahead. Thank you, Janesh. A very good morning to all. Respected Shri Tripathi ji, Nikhil Gaur ji, Subba Rao ji, Ganeshan ji, Jagesh Shankar ji, and entire team of association. I'm very glad that All India SCST Employee Welfare Association has taken this initiative to organize interactive session for providing guidance to vendors and entrepreneurs. The association has always taken initiatives to help the management in implementing various welfare schemes like component plan and CSR mean for weaker sections of the society. The Government of India has been constantly striving to improve the procurement efficiency in the country by increasing the transparency and integrity of the public procurement process. While simultaneously shortening the procurement cycle, the setting up of Government e-marketplace GEM in August 2016 was a major step in this direction. In the last few years, GEM has registered numbers of vendors and products and has brought about a paradigm shift in the way the various government entities procure goods and services. The Government e-marketplace offers a digitized marketplace with numerous advantages over the traditional publishing portals. GEM has been instrumental in providing the efficiency, transparency, and integrity of the procurement process for goods and services, while substantially bringing down the procurement cost as well as lead time, and simultaneously opening up greater market access to MSMEs in the country. GEM is moving ahead for creating a unified procurement system in the country for providing a single platform for procurement of goods and services. It offers a great opportunity for medium, small, and micro enterprises. The business model of GEM has been a win-win for all stakeholders. The procuring entities have achieved higher economies, efficiencies, and transparency in procurement by standardization, digitization, wider seller participation, and reduction in procurement cost and lead times. The registered suppliers have been able to achieve higher sales volume due to increased market access and direct sales to government organizations. I believe this session will help the participants in understanding the GEM process in a better way. Thank you. Thank you very much, sir, for your very, very informative address. And we are really, again, we are thankful to you for your kind guidance always, your office, RO, and you are personally also, you are always with us, we know. And you always spare some time for, you know, such activities, some good activities. ONGC के बारे में जितना भी हम अच्छा काम कर रहे हैं उसमें आपका हमेशा एक सपोर्ट और गाइडेंस और मार्गदर्शन रहता है. सो थैंक यू वेरी मच सर, सुनील सिंह सर. और अभी हम रुक करते हैं, नेक्स्ट हमारे आज के इनॉग्रेटर है, आज के हमारे जो हमारे चीफ गेस्ट है श्री AP त्रिपाठी सर. तो उसके पहले साथियों, मैं थोड़ा आपको एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि आज का ब्रीफ जो है प्रोग्राम का, वो थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ. वैसे एक सर्कुलेट हमने ऑलरेडी किया है, फिर भी फॉर दिस पर्पज नो, कि अभी इसके बाद में त्रिपाठी सर का जब स्पीच हो जाएगा, जब एड्रेस हो जाएगा, उसके बाद में सेलर ट्रेनिंग
सेशन होगा जेम के ऊपर, और मिस्टर मनेंद्र सिंह, मनेंद्र पाल सिंह है जो जीएम ट्रेनिंग टीम के हैं, वो उनको कंडक्ट करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो एक घंटे का पूरा जेम का रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर के लिए हमने एक घंटा पूरा रखा है, ताकि जितने भी जेम रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसमें सारा आपका उसका समाधान हो सके। देन बीच में हमने इस बार लंच ब्रेक भी रखा है, क्योंकि कंटिन्यूस बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने पौने घंटे का लंच ब्रेक रखा है। उसके बाद में लॉजिस्टिक सर्विस है जो ONGC के है, जो हमारे कॉर्पोरेट टीम है वो हमारे साथ में ज्वाइन करने वाली है। उसमें श्री राजेश कुमार डोरे जो GM लॉजिस्टिक्स है, और उनके साथ में मिसेस साइना जी है जो सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है दिल्ली से, वो ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद में हमारे गौर साहब का जो सेल है कॉर्पोरेट वेंडर मैनेजमेंट सेल है, उसमें गौर साहब के साथ में मिस्टर MK ताए जी है जो चीफ मैनेजर MMK, वो उसमें हमको गाइड करने वाले हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को। और आफ्टरनून सेशन में एक टी ब्रेक हम बीच में रखा है, उसमें मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो ये मिस्टर अनंत आठवडे जी है, मिस्टर अनंत आठवडे जो कुवैत में है और इज वेल नोन यू नो बिजनेस मैनेजर इन दिस फील्ड, पर्टिकुलरली मार्केटिंग एंड यू नो स्ट्रेटजीज, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, तो वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को गाइड करेंगे। देन जैसे मैंने कहा कि व्हाट आर द वेरियस स्कीम, बैंक स्कीम्स, लोन्स एटसेट्रा, तो हमारे एक सीनियर ऑफिसर है जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मिस्टर DV सुब्बा राव जी है, जो सीनियर जनरल मैनेजर है, वो हमको ये हमारे पार्टिसिपेंट्स को गाइड करने वाले हैं। उसके बाद में एक जिन्होंने प्रूव करके दिखाया गया, यस ये जो जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है या जो टैंकर ओनरशिप ऑफ टैंकर है उसको ऑपरेशन है वो कैसे सक्सेसफुली करना है, तो उसके बारे में मिस कंचन भालेकर जो ऑरम एंटरप्राइजेस है उनसे हम सुनने वाले हैं। और लास्ट में मिस्टर दिनेश बरडिया जी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिसर है, वो बैंक के स्कीम्स के बारे में पर्टिकुलर फॉर MSMEs क्या है वो हमको बताने वाले हैं। मेरे साथ में मेरे टीम में मिस्टर रघुनाथ कारगावकर जी है जो हमारे सेक्रेटरी है, और मिस्टर सिद्धार्थ कामले जो CEC मेंबर है हमारे ऑल इंडिया SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई ब्रांच के। तो इन सभी के सहयोग से, इन सभी के पार्टिसिपेशन, ये हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें मेनली हमारे जो कॉर्पोरेट जो टीम है हमारी, निखिल गौर साहब और सलीमुद्दीन जी और भी बाकी लोग हैं, उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि देवर इंस्ट्रूमेंटल, देवर वेरी हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग दिस। हमारा लास्ट 1 month से ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन चल रहा है कि हमको ये फॉलो अप मीट करना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ बातें करेंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको अमली जामा जब तक हम नहीं पहनाएंगे प्रॉपर वे में, तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो हमने ये सोचा कि नहीं, हमको ये सब करना है, और इस पे त्रिपाठी सर का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि उन्होंने जो कॉर्पोरेट जो टीम है उनको इसके लिए उनको उत्साहित किया और कहा कि नहीं, हमको ये ऑर्गेनाइज करना है ये मीट। सो वेलकम सर, त्रिपाठी सर, मैं अभी आपको इनॉग्रल स्पीच के लिए मैं आपको यहाँ इन्वाइट करना चाहता हूँ, काइंडली गो अहेड। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड HRO श्री सुनील सिंह साहब, प्रेसिडेंट SC ST। थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही सर। बैंक एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक SC ST एसोसिएशन टू अरेंज दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड ऑल्सो आई थैंक देम टू इन्वाइट मी टू इनॉग्रेट दिस प्रोग्राम। सी आई हैव अर्लियर आई हैव इन द लास्ट वन मीटिंग वाज सच टाइप ऑफ conference was arranged by SC ST association, and that was very successful for the MSMEs, and based on the feedback received from that, my this SC ST association informed that it would be more helpful to the entrepreneurs if we provide the training on the gym. So we were very happy to learn that, and immediately our colleagues approached to the GEM, and GEM authority were very kind to agree to provide this training.
So what I want to explain is that as far as ONGC is concerned, ONGC is procuring about 6,000 crore material every year. Last year, ONGC through GEM procured 70 crore material, and this time we have already procured 200 crore material. And we are hopeful that by end of the March, we will be able to procure by 500 crore. But next year target, we have made it more than 2,000 crore. So now, as per the government directive, ONGC is making all effort to procure most of the items wherever possible through GEM only. So this is very correct that for our partners, this entrepreneurs, it is very important to learn the GEM and to understand the GEM, how the cataloging is to be done, how everything is to be done, how to participate, so that they can take the fruit of this GEM facility available. With this idea only, this conference is being organized. And first, again, one thing I tell you, that even after all effort, still we are able only to meet 1% target of MSME, 1% procurement only through our SCST entrepreneurs partners. We are making hard to increase this level to 4%, minimum 4%. Otherwise, it may be as much as possible, minimum 4%, which is our target. And in this endeavor, our SCST association is helping us. I am really grateful to them that they are helping us. They are helping you also to attend, to understand the ONGC procurement, to participate in ONGC tender, and to grow. So for that, I thank to the SCST Association. I thank all of my partners joining this meeting. I shall again thank to GEM and bank to support this training program. And at the last, I thank to my vendor management team led by Mr. Gaur to organize this meeting. With all, I inaugurate this meeting and hope it will be very successful. Thank you very much. Thank you very much, sir. Have a round of applause. साहब ने अभी जो आज की मीट है उसका उद्घोष कर दिया है, उसका इनॉग्रेट कर दिया है. सो लेट अस होप कि आज की जो मीट है वो कुछ रिजल्ट लाएगी. जैसे साहब ने कहा कि जो हमारा टारगेट है वो अभी अचीव नहीं हुआ है एज फार एज यस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए. तो हमारा टारगेट ONGC इज ऑलवेज ट्राइंग फॉर दैट. और त्रिपाठी सर के मार्गदर्शन में हम एसोसिएशन साइड से, HRO साइड से, RLO साइड से, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू अचीव दैट टारगेट. तो सर ने कहा जैसे 4% तो एटलीस्ट हमको वो करना है. तो पार्टिसिपेंट्स, मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, SCST एसोसिएशन की ओर से जितने भी मदद त्रिपाठी सर की ओर से है, सुनील सिंह सर के है, सर से है, बाकी उनका जो कॉरपोरेट वेंडर मैनेजमेंट सेल है, और भी किसी से, हमसे कुछ भी जरूरत पड़ती है, आप बेशक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हम आपको इसमें पूरी सहायता, पूरा मार्गदर्शन, जो भी आपको लगता है, हम लोग प्रोवाइड करने के लिए तैयार है. जैसे मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है MSME मिनिस्ट्री का कि ये टारगेट को अचीव करना है, और इसमें ONGC को मदद करने के लिए आप सबकी ज़रूरत है. मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप सब उसमें हिस्सा लीजिए, और इसको और बेहतर ढंग से हमको कैसे वो अचीव कर सकते हैं हम लोग, उसमें आप लोग शरीक कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए. थैंक यू वेरी मच सर त्रिपाठी सर. वी आर रियली थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि सर आप, यू आर वेरी पॉजिटिव. जैसे लास्ट टाइम भी कहा हमने, और मैंने एक सिर्फ एक मेल किया कि नहीं सर हमको एक फॉलोअप मीटिंग तो करनी पड़ेगी. यू सेड इमीडिएटली यस गो अहेड, अवर टीम विल हेल्प यू. सो वी आर सो काइंड ऑफ यू सर फॉर दिस. और आपके जो मार्गदर्शन में टीम है, मिस्टर निखिल गौर जी हैं, हमारे तो पुराने मित्र हैं, आसाम में हम लोग साथ में थे, तो आई नो ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन, और आपकी टीम में बहुत अच्छा इसमें हमको कोऑपरेट किया, उसके लिए वी आर रियली थैंकफुल टू यू. एंड मैं हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, सबको, सबकी ओर से ये आज का जो मीट है उसको इनॉग्रेट करने के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. अभी हमारे सेक्रेटरी मिस्टर रघुनाथ कारगावकर जी है, ये इनॉग्रेल जो प्रोग्राम है इसके लिए वो वोट ऑफ थैंक्स करेंगे. मिस्टर रघुनाथ कारगावकर, ही इज डेप्यूटी जनरल मैनेजर जियोलॉजी इन मुंबई. मिस्टर कारगावकर प्लीज.
Thank you, Chairman sir. I am extremely happy that our chief guest has inaugurated. I'm thankful to Mr. A.P. Tripathi, ED Chief, YMM Delhi. And this meet, which has been arranged by Western Offshore Unit, ONGC Mumbai, with the collaboration of Corporate Underdevelopment Cell, ONGC Delhi, is very key topic, GEM, Government E-Marketplace, which is a national portal for procurement and logistic services. And our efforts have been always towards the empowerment. Exactly 2 months back, there was a program, Vendor Development. It was a grand success. I thank my extreme thankfulness to the head of the regional office, Sri Sunil Singh, sir, and the regional licensing officer, Mr. Ganeshan, sir. And we have, as the chairman says, already explained the whole lot of topics and presentations in the entire day, which are very interesting and very crucial for learning and going in this direction. The procurement of logistics services, vendor registration, business strategy, marketing, terms, conditions for loan, banking and tanker management. All these important topics are for our participants who are the budding entrepreneurs and businessmen. And as ONGC is always ahead towards the empowerment of the SCSTs and the 4% target in the partnership of the procurement, I am extremely thankful for the Delhi offices and Mumbai offices. And last but not least, least important is the initiative taken by the All India SCST Welfare Association, especially the chairman, Sri Jagesh Somkur. I thank you very much on behalf of the DEC body. And I wish the entire day will be very fruitful and magnificent learning and purposeful. Thank you very much. Thank you, everybody. Over to you, chairman. थैंक यू कारगाकर जी. सो विद दिस इनॉग्रल, एक छोटा सा एक इनॉग्रल जो एक प्रोग्राम होता है वो हम यहाँ कंक्लूड करते हैं. हम सबका पुनः एक बार बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद व्यक्त करते हैं. त्रिपाठी सर है, सुनील सिंह सर है, गणेशन जी है, क्योंकि आज वो हफ्ते का वर्किंग डे है ना, तो इसमें सभी लोग बिजी है. मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर. और आप हमारे साथ, मैं तो ये मतलब आपसे अपेक्षा करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि आप बने रहिएगा दिन भर, क्योंकि ये प्रोग्राम तो बहुत लंबा चलने वाला है. शाम को 6 बजे तक तो चलेगा. जैसा भी आपको समय मिलता है थोड़ा आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जैसा आपको लगता है. बाकी बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, त्रिपाठी सर, सुनील सिंह सर, गणेशन जी. या थैंक यू. ओके सो व्यूअर्स फ्रेंड्स, आई एम जागेश सोमकुवर. आई एम जीएम प्रोडक्शन इन ओएनजीसी मुंबई एंड आल्सो चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया एससीएसटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ओएनजीसी मुंबई ब्रांच. ऑन बिहाफ ऑफ वेस्टर्न ऑफशोर यूनिट एंड आवर ऑल इंडिया एससीएसटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, सो नाउ लेट अस स्टार्ट दी थीमेटिक डिस्कशन, द प्रेजेंटेशन. जो आज का विषय है जेम के ऊपर है, और जेम में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड से मिस्टर मनेंद्र सिंह जी है, वो हमारे साथ में ही हैज ऑलरेडी ज्वाइन. मिस्टर मनेंद्र सर, आपका थोड़ा वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो कर दीजिएगा. मनेंद्र जी एक मिनट, जस्ट मे सी. यस जी सर, यस मनेंद्र जी. या सो वेलकम टू दिस प्रोग्राम. ओएनजीसी में आपका स्वागत है बहुत बहुत. और लेट अस होप कि आपका जो आज का जो प्रेजेंटेशन है उससे बहुत सारा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट है सबका उसमें नॉलेज बढ़ेगा और उसमें कुछ ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, ताकि कुछ अच्छा वो कर सके. और दे विल हेल्प अस ONGC टू फुलफिल अवर टारगेट 4% का जो हमारा है. या सो मनेंद्र सिंह जी, आप थोड़ा सा आपका ब्रीफ अगर थोड़ा सा अगर हमको सबको अवगत कराना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा बताइएगा, एंड देन यू टेक ओवर. ओके थैंक यू, वेलकम मनेंद्र जी. हाँ
Thank you so much, sir. So, very good morning, participant. I am Maninder Singh. I am a trainer and business facilitator for GEM. और मैं GEM से मुझे जुड़े हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं. तो मैं 4 साल से GEM के साथ associated हूँ. और मैं GEM पे ट्रेनिंग देता हूँ वेंडर्स और बायर दोनों को. तो हमारी बायर ट्रेनिंग भी होती है, हम लोग सेलर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं. हम लोग एनकरेज करते हैं कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आई ट्राई टू हेल्प द बायर टू मेक देयर परचेजेस. हम बायर को भी हेल्प करते हैं बिड बनाने में, हम सेलर्स को भी हेल्प करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन एंड इनरोलमेंट कराने के लिए. तो मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगा ऑन हाउ अ सेलर कैन मेक देयर रजिस्ट्रेशन ऑन GEM पोर्टल एंड हाउ द सेलर कैन अपलोड देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन ऑन द पोर्टल. सो आज मेनली मैं डिस्कस करने वाला हूँ कस्टम बिड के बारे में. देयर इज अ न्यू एनहांसमेंट जहाँ पे हमने एक नई कैटेगरी क्रिएट की है फॉर कस्टम बिड फॉर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट. सो अर्लियर क्या होता था कि आप एज ए बायर सिर्फ उसी की बिड बना सकते थे जो GEM के पोर्टल पे अवेलेबल है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज GEM के पोर्टल पे अवेलेबल होता है तभी आप उसकी बिडिंग प्लेस कर सकते हैं, टेंडर प्लेस कर सकते हैं. बट नाउ आफ्टर हैविंग दिस कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बायर अब उनकी भी बिड बना सकते हैं जो GEM पे अवेलेबल नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ONGC या जो भी PSUs होते हैं उनके बहुत सारी ऐसे इंजीनियर्ड प्रोडक्ट होते हैं जो GEM पे कैटेगरी उनके क्रिएटेड नहीं होती. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कस्टम कैटेगरी क्रिएट की है. बायर जो है कस्टम कैटेगरी की बिड बना सकते हैं और एज ए सेलर आप एज ए वेंडर आप उस बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो मेरा आज का मेन टॉपिक रहेगा कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आपको बताने का. तो मेरे पास एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, मैं आपको वो प्रेजेंटेशन अभी दिखाने वाला हूँ. और अगर सर परमिशन दे तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपको डिस्प्ले कर सकूँ. यस, गो अहेड, गो अहेड. मैंने आपको ऑलरेडी कोर्स बना दिया है, यू कैन गो अहेड. जी जी जी, डेफिनेटली. थैंक यू सर. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड प्लीज लेट मी कंफर्म इफ माई स्क्रीन इज विजिबल. यस यस, इट इज विजिबल नाउ. Okay, so we start with the GEM presentation. So first, मैं start करूँगा एक introduction से GEM portal के बारे में, introduction to GEM. So GEM, as you all know, is a government of India initiative and it comes under Ministry of Commerce and Industry. It's a one-stop online procurement portal for all government buyers. चाहे वो state के हो, चाहे वो ministries के हो, चाहे आप department PSUs के हो, सभी को GEM से purchase करने if the product and services are available on GEM. And it was launched on the 9th of August 2016. हमने इसके 4.5 years complete कर लिए हैं and we follow GFR rule. So GFR, as you all know, is a general financial rule. So according to the GFR rule number 149, procurement of goods and services by ministry or department will be mandatory for goods or services available on GEM. तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज GEM के पोर्टल पे अवेलेबल हैं आपको GEM के पोर्टल से ही परचेज करने हैं. और GEM aims to enhance efficiency, transparency, inclusiveness in public procurement. तो GEM पे जो भी अवेलेबल है चाहे वो प्रोडक्ट हो सर्विसेज हो आप परचेज कर सकते हैं. ऑल्सो वी इंक्रीज एफिशिएंसी. तो GEM के पोर्टल के आने के बाद एफिशिएंसी इंक्रीज होगी है. GEM इज अ वेरी एफिशिएंट पोर्टल इन कंपैरिजन टू द ओल्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस. इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट पोर्टल and it's an inclusive portal in public procurement. So whenever we talk about the public procurement, there is a public money involved in it. और जब भी कोई government department purchasing करते हैं तो public money को ध्यान में रखते हुए अपने departmental rule को follow करते हो, चाहे वो CVC की guidelines हो, public procurement policies हो, चाहे वो किसी भी concerned department की ministries की policies हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपको परचेजिंग करनी होती है. एंड ऑल्सो वी प्रोवाइड टूल्स ऑफ ई बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन एंड डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट. तो GEM के पोर्टल पे बायर डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं, बिडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, रिवर्स ऑक्शन बना सकते हैं. एंड GEM हैज 3 pillars, कैशलेस, कॉन्टेक्टलेस एंड पेपरलेस. सो GEM पोर्टल इज अ कंप्लीट कैशलेस पोर्टल. GEM पे जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है पेमेंट उसकी हार्ड कैश में नहीं होती. पेमेंट इज टू बी डन बाय डिपार्टमेंटल पेमेंट मोड. अगर डिपार्टमेंट PFMS मोड यूज कर रहे हो या फिर अदर देन PFMS मोड यूज कर रहे हो, पेमेंट आपके सीधे अकाउंट में ही आती है. सो इट्स अ कंप्लीट कैशलेस सिस्टम. इट्स अ कॉन्टैक्टलेस. कॉन्टैक्टलेस मीन्स हम वेंडर की इंफॉर्मेशन पहले डिस्प्ले नहीं करते. जब तक सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस नहीं हो जाता, सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेसमेंट से पहले आपको एज ए बायर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी. एंड यस, वी आर पेपरलेस. तो पेपरलेस इस तरीके से कि आपको कोई भी पेपर वर्क GEM के पोर्टल पे करने की जरूरत नहीं है. ओनली वी आस्क फॉर पेपर नंबर. अगर आप GEM के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एज ए सेलर,
तो आप डर लेना है, अगर आप अपनी ITR वेरीफाई कराते हैं, अगर आप अपना टैक्स टर्नओवर वेरीफाई कराते हैं तो आपको ITR की इन्फॉर्मेशन देनी है. सो वी ओनली आस्क द पेपर नंबर, आपको कोई भी पेपर वर्क यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होती. तो आज का हमारा टॉपिक था सर्विस से रिलेटेड. तो मैं आपको एक बार वेंडर असेसमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ. सो दिस वेंडर असेसमेंट इज ओनली मैंडेटरी फॉर द प्रोडक्ट, नॉट फॉर द सर्विसेज. तो जेम पे जो भी वेंडर रजिस्टर करते हैं सभी को अपना वेंडर असेसमेंट करवाना होता है, चाहे वो OEM हो चाहे वो रीसेलर हो. बट दिस वेंडर असेसमेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर सर्विस प्रोवाइडर. अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है तब आपको वेंडर असेसमेंट कराने की जरूरत नहीं है. एंड दिस वेंडर असेसमेंट इज टू बी डन बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज QCI, जो कि आपका वेंडर असेसमेंट करते हैं. वेंडर असेसमेंट यस इट्स अ चार्जेबल प्रोसेस. अगर आप किसी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में नहीं आते तब आपको वेंडर असेसमेंट की फीस सबमिट करनी है, विच इज अराउंड 13,000 प्लस GST. और अगर आप किसी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है तो आपको अपनी एग्जेम्प्शन के लिए क्लेम कर देना है और आप वेंडर असेसमेंट की फीस से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं. दिस फीस इज डिपेंड अपॉन टाइप. अगर आप OEM है तो आपके लिए अलग चार्जेस हैं, अगर आप रीसेलर हैं तो आपके लिए अलग चार्जेस होते हैं बेस्ड अपॉन योर टर्नओवर. सो रीसेलर के लिए भी सभी कैटेगरीज में मैंडेटरी नहीं, बट फॉर सम कैटेगरीज आपको एज ए रीसेलर भी वेंडर असेसमेंट करवाना होता है. एंड द एडवांटेजेस फॉर दिस वेंडर असेसमेंट इज दैट कि आपको OEM पैनल मिल जाएगा. अगर आप एज ए मैन्युफैक्चरर अपना वेंडर असेसमेंट करवाते हैं तो आपको OEM पैनल मिल जाएगा. उस OEM पैनल पे जाके आप अपने ब्रांड टेस्ट कर सकते हैं, कैटेगरी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेंडर एग्जेम्प्ट फ्रॉम डी अमाउंट का वेंडर असेसमेंट हो जाता है, तो आप अमाउंट से भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. एंड सम ऑफ द पार्टीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस वेंडर असेसमेंट फीस. सो अगर आप मेरी स्क्रीन कुछ पॉइंट्स देख रहे होंगे कि वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जेम्प्टेड है. फर्स्ट सेलर हैविंग टर्नओवर मोर देन 500 crore, they are exempted from vendor assessment fees. अगर आपका turnover 500 crore से ज़्यादा है तब भी आप vendor assessment fees से exempted होते हैं. जैसे कि UGC या BH अगर सेलर भी बन जाए तो आप एज ए बायर भी बन सकते हैं और आपको वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्पशन भी मिल जाता है. सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ऑल सेलर हु आर वैलिडेटेड पैन GST और ऑफर प्राइस जेम इज नॉट आर्ट वर्क हैंडीक्राफ्ट एंड मनिंदर जी, कैन यू हियर मी मिस्टर मनिंदर सिंह? मिस्टर मनिंदर, कैन यू हियर मी? यस सर. आपका ना बहुत वो हो रहा है बीच में, ऑडिबल नहीं है बीच में ना, आपको कुछ नेट का इशू लग रहा है, आई थिंक सो. आपने जो अभी लास्ट 2-3 मिनट्स में जो बताया ना, थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा. रेंज नहीं आ रही, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक्चुअली वो इशू है. जस्ट मिनट, हाँ, लेट हिम ज्वाइन अगेन. या जस्ट मिनट प्लीज. और ऑन फॉर पार्टिसिपेंट्स, हाँ, और जिनके माइक ऑन है ना वो थोड़ा ऑफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा. मेरे ख्याल से सभी के तो ऑफ ही है, किसी का ऑन नहीं है एक्सेप्ट मी. हाँ मिस्टर मनिंदर, या जस्ट अ मिनट प्लीज. जस्ट अ मिनट. हाँ अनम्यूट कीजिए. यस सर, आई एम ऑडिबल नाउ? ना ना, इट्स ओके. इट्स ओके नाउ. यो आपने जो अभी लास्ट 2-3 मिनट्स में रिपीट जो किया ना आपने जो बताया वो थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा.
मैं भी रिपीट हूँ, प्लीज अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन. यस जस्ट अ मिनट प्लीज, एक मिनट. ओके 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 नाउ यू कैन गो अहेड. या राइट. सो वेरी सॉरी, शायद इंटरनेट कनेक्शन मेरा लो हो गया था. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेंडर असेसमेंट. तो मैं एक वेंडर असेसमेंट के बारे में फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ सेलर. आपको अपना वेंडर असेसमेंट करवाना होता है, एंड वेंडर असेसमेंट इज नाउ मैंडेटरी फॉर बोथ ओईएम एंड रीसेलर. अगर आप रीसेलर हैं तब भी आपको वेंडर असेसमेंट कराना है फॉर सर्टेन कैटेगरीज. अगर आप ओईएम हैं तो सभी कैटेगरीज के लिए आपको वेंडर असेसमेंट करवाना, एकदम वेंडर असेसमेंट कराना मैंडेटरी होता है. देयर आर सम पार्टीज हु आर एग्जेम्प्टेड, बट अगर आप किसी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर नहीं आते तब आपको वेंडर असेसमेंट फीस सबमिट करनी होती है. देयर आर सम फीस डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप. इफ यू आर ए ओईएम देन देयर इज अ फिक्स फीस अराउंड 13,000 प्लस जीएसटी. इफ यू आर ए रीसेलर देन देयर इज अ फीस अराउंड बेस्ड अपॉन योर टर्नओवर. तो आपको अपना वेंडर असेसमेंट कराना है, एंड देयर आर सम पार्टीज व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस वेंडर असेसमेंट फीस. आई विल शो यू द द लिस्ट वेयर हु आर द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस फीस ऑफ वेंडर असेसमेंट. सो द सेलर हैविंग टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेंडर असेसमेंट फीस. इफ यू आर द सेंट्रल और स्टेट पीएसयू देन ऑल्सो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेंडर असेसमेंट फीस. ऑल सेलर हु आर वैलिडेटेड थ्रू पैन or GST or MC21 and offering product of offer price 25,000 per unit and whose annual transaction value in GEM is not more than 5 lakhs. Seller who are offering product as OEM shall not be covered under these exemptions. And the seller who are offering product like artwork, handicraft and other such items where is no standard manufacturing process exists, they are also exempted from vendor assessment fees. Seller who are registered societies, trust or other bodies, if these concern have government representation, then also they are exempted from vendor assessment fees. If the seller is registered under KVIC, WDO, Koiri Board or TRIFED, they are also exempted from this vendor assessment fees. OEMs who are registered with NSIC for particular category, they are also exempted from this vendor assessment fees. OEMs holding BIS license for the particular product category, which are validated through BIS database. Normal validity for this exemption will be 3 years. Seller is mandated to notify GEM in case cancellation of BIS license and exemption will be withdrawn. OEMs having UCC certificate, which are issued by the DRDO, OFB or CITRA, this exemption will according with UCC certificate validity. And the seller who are recommended for exemption for specific categories and specified validity period by any CPSC, central and state government or department or authorities. कोई भी ऐसे सेलर जिनको कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑथराइज कर देता कि आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए एग्जम्प्टेड हैं, और उनको जेम को लिखना होगा कि हमारे ये सेलर हैं 5-10 सेलर की लिस्ट, इनको वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्प्टेड किया जाए फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, तो हम वो भी कर देते हैं. बट आपको इसके लिए अपने बायर से लिखवाना पड़ेगा जेम को, तभी हम आपको वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्प्टेड करेंगे. और एनी अदर कैटेगरीज ऑफ सेलर हु आर नोटिफाइड विद द अप्रूवल ऑफ सीओ जेम, तो हम इन सबको वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्प्टेड कर देते हैं. बट वेंडर असेसमेंट फीस पे करनी आपको अगर आप किसी एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं तो. ओके सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सर्विस सैनिटेशन. सो दिस सर्विस सैनिटेशन इज अ फ्री प्रोसेस. सर्विस सैनिटेशन के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा. सर्विस सैनिटेशन फ्री प्रोसेस होता है. आपको एज ए सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज को अपलोड करना है, और उसके बाद आप सर्विस अपलोड करके सर्विसेज की बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और ये सेम प्रोसेस आपको कस्टम बिड फॉर सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा और नॉर्मल कैटेगरी के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा. आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी फॉर सर्विस सैनिटेशन. एंड फॉर सर्विस सैनिटेशन वी आस्क फॉर सम टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक वैलिडेशन ऑफ सर्टिफिकेट, वैलिडेशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एंड कंपनीज नेम वैलिडिटी, द स्टेट फॉर विच लाइसेंस हैज बीन इश्यूड, or and the turnaround time for this when for this service sanitation is 3 working days. So 3 din ke andar aapko apna service sanitation complete ho jata hai. So this is a process for product and services.
अब हमें एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, हाउ ए सेलर कैन मेक द रजिस्ट्रेशन और हाउ ए सर्विस प्रोवाइडर कैन मेक अ रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल. सो फॉर दिस रजिस्ट्रेशन वी आस्क यू टू फिल योर ऑर्गेनाइजेशन टाइप और नेम, वैलिडेशन थ्रू आधार नंबर और थ्रू पैन नंबर. So validation is to be done by Aadhaar number or a PAN number. If you are using PAN number for registration, then आपको अपना personal PAN number use करना है. And if you are using Aadhaar number for registration, तो आपको Aadhaar link mobile number provide करा के अपना JEM के portal पर registration कर लेना है. Email ID verification is to be done on portal. तो email ID verify कराने के लिए आपकी email ID पे एक OTP आएगा. आपको OTP fill करके अपना email verification done कर लेना है. Then we ask for यूजर आईडी क्रिएशन, तो आपको अपना यूजर आईडी भी क्रिएट करके जेएम के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है. एंड दीज आर द प्री रिक्विजिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर प्राइमरी यूजर एंड फॉर सेकेंडरी यूजर. एंड प्लीज नोट दिस क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी यूजर इज नॉट मैंडेटरी. आप सेकेंडरी यूजर बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी है एंड एज अ सिंगल पर्सन आप पूरी कंपनी हैंडल नहीं कर पा रहे, तब आप अपने सेकेंडरी सेलर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं. आप मल्टीपल सेकेंडरी सेलर क्रिएट कर सकते हैं और आप उनको रोल भी असाइन कर सकते हैं कि मेरे सेकेंडरी सेलर मेरे बिहाफ पे मेरे प्रोडक्ट अपलोड करेंगे या बिड में पार्टिसिपेट करेंगे या ऑर्डर फुलफिलमेंट करेंगे या फिर सारे काम करेंगे. ये आपके ऊपर होता है अपने सेकेंडरी यूजर को क्रिएट करना, एक्टिवेट करना, मॉडिफिकेशन करना. एंड दिस इज द प्री रिक्विजिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर प्राइमरी यूजर एंड फॉर सेकेंडरी यूजर. सो प्राइमरी यूजर रजिस्ट्रेशन वी आस्क फॉर आधार नंबर, वर्चुअल आई डी और अ पैन नंबर. अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के थ्रू करते हैं देन वी आस्क फॉर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर. और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड के थ्रू करते हैं देन एनी मोबाइल नंबर कैन वर्क फॉर ओटीपी पर्पसेस. आप वर्चुअल आईडी के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वर्चुअल आईडी इज अ डमी आईडी, ये आपको आधार साइट पर जाके जनरेट करनी है. आधार की जो साइट होती है आधार कार्ड की UIDAI, वहां पे जाके आपको VID जनरेटर के नाम से बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं जेएम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए. इफ यू आर यूजिंग आधार नंबर या वर्चुअल आईडी, तो आपको अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है. अगर आप पैन नंबर का यूज करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो पैन नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर. देन वी आस्क यू टू एंटर ईमेल आईडी. आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है. ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपसे एक बार फिर से डलवाई जाएगी और आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP जनरेट होता है जिसको डाल के आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं. एंड देन वी आस्क यू टू एंटर डॉक्यूमेंट एज पर योर कॉन्स्टिट्यूशन टाइप. अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन टाइप कंपनी या फर्म है तो हम आपसे सिन नंबर पूछते हैं. एंड दिस सिन नंबर इज गेट वैलिडेटेड फ्रॉम MCA 21. तो MCA 21 की साइट से आपका सिन नंबर वैलिडेट किया जाएगा. अगर आप कंपनी है तो आपको कंपनी का पैन नंबर फिल करना है. अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो आपको पर्सनल पैन नंबर फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है. अगर आप MSE है तो आपको DIPP नंबर एंटर करना है. अगर आप स्टार्टअप है तो आपको DIPP नंबर देना है. अगर आप MSE है तो आपको उद्योग आधार मेमोरेंडम या उद्यम नंबर देके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है. अगर आपकी कंपनी 2 साल से ज्यादा पुरानी है तब आपको ITR डिटेल एंटर करना मैंडेटरी है. अगर 2 साल से कम पुरानी कंपनी है आपकी, तब आप बिना ITR इन्फॉर्मेशन डाले भी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं. एड्रेस डिटेल एज पर योर ITR, जो आपने ITR में एड्रेस मेंशन किया है वही सेम एड्रेस आपको जेएम के पोर्टल पे भी एंटर करना है. एंड योर बैंक अकाउंट डिटेल, आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल भी एंटर करनी है. और आप जिस अकाउंट को आप प्राइमरी अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट में ही आपके पास बैंक तरफ से पेमेंट आएगा. एंड इन ए सिमिलर वे फॉर सेकेंडरी यूजर रजिस्ट्रेशन वी आस्क फॉर आधार नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड एक्टिवेट ईमेल आईडी. एंड दीज आर द की नोट्स. रजिस्ट्रेशन ऑन जेम शुड बी डन बाय योर ऑथराइज्ड पर्सन एंड द डिटेल ऑफ दिस ऑथराइज्ड पर्सन इज गेट वैलिडेटेड थ्रू ITR. जो आपके ITR के सिग्नेटरी हैं उनके नाम से ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है. अगर आप उनके नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तब आपके पास आपको एक एरर मिल सकता है की पर्सन वैलिडेशन फेल्ड का. तो आपको रजिस्ट्रेशन उनके नाम से ही करना है जिनके नाम से आप ITR फिल करते हैं. इन केस ऑफ मल्टीपल डायरेक्टर, जैसे फर्म में या कंपनी में होता है कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो आपको उन डायरेक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन करना जो आपके ITR सिग्नेटरी हो. प्राइमरी सेलर हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट सेकेंडरी सेलर एंड ऑल्सो दे कैन असाइन द रोल लाइक बिड पार्टिसिपेशन, क्रिएशन ऑफ कैटलॉग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट. MSEs के लिए आप उद्योग आधार मेमोरेंडम का यूज कर सकते हैं 31 मार्च तक, या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप एंटर कर सकते हैं. स्टार्टअप के लिए आपको DIPP नंबर एंटर करना है.
एंड नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर सेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर. अगर आप सेलर भी हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं तब आपको दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं करने, आपको एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन से आप सेलर भी बन सकते हैं और उसी रजिस्ट्रेशन से आप सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं. सो दिस इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर रजिस्ट्रेशन. अब हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पोर्टल पे. आपको तो आपको जैम की ओरिजिनल साइट पे जाना है, विच इज jam.gov.in. अभी आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे जैम रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारी फेक साइट्स आपको मिलेंगी जो आपसे पैसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, लेकिन आपको जैम की ओरिजिनल साइट पर जाना है जो कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको फ्री में कर सकते हैं. तो आपको जैम की ओरिजिनल साइट पर जाना है विच इज jam.gov.in. देर विल बी टू ऑप्शन अवेलेबल, लॉग इन एंड साइन अप. अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको फिर से साइन अप करने की जरूरत नहीं है, आप अपना अकाउंट लॉग इन करके अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं. और अगर आपने अब तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया तब आपको साइन अप पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है. आप साइन अप पे जाके एज अ सेलर चूज कर सकते हैं. जैसे ही आप सेलर सेलेक्ट करेंगे इसके बाद आपसे टर्म्स एंड कंडीशन रिव्यू करने के लिए पूछा जाएगा. वील हैव टू रिव्यू द टर्म्स एंड कंडीशन. टर्म्स एंड कंडीशन को रिव्यू करने के बाद आपके पास बटन मिलेगा आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. तो आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है. एग्री होने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन डिटेल फिल करनी है. ऑर्गेनाइजेशन डिटेल के टाइम पे आपसे ऑर्गेनाइजेशन टाइप पूछा जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको चूज करना है वेदर यू आर ए प्रोपराइटरशिप, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ये आपको पता चलेगा आपके पैन कार्ड से. अगर आपके पैन कार्ड की फोर्थ डिजिट पी होती है तब आप एज ए प्रोपराइटरशिप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अगर एफ होती है तो एफ फॉर फर्म, सी फॉर कंपनी, टी एस फॉर ट्रस्ट और सोसाइटी एंड जी फॉर गवर्नमेंट. तो जो भी आपका आपका पैन कार्ड हो, कंपनी का पैन कार्ड या पर्सनल पैन कार्ड, उस पर उसकी फोर्थ डिजिट से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन टाइप का पता लगा सकते हैं और वो आपको सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे. इसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम फिल करना है और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे. जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इसके बाद आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा. सो वील हैव टू फिल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन. सो इन दिस पर्सनल इन्फॉर्मेशन वील हैव टू ऑथेंटिकेट बाय आधार नंबर और ए पैन नंबर. अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन पैन नंबर से करते हैं तो आपको पर्सनल पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है. अगर आपकी कंपनी या फर्म भी होती है उस टाइम भी आपको अपने पर्सनल पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है. जो भी आपके आधार सिग्नेटरी हो उनके पर्सनल पैन नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है या पर्सनल आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर लेना है. तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल एंटर करनी है और उसे वेरीफाई करना है. अगर आप आधार कार्ड से करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी जनरेट होगा. ओटीपी डालने के बाद आपका पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद आपको फिर ईमेल वेरिफिकेशन करना है. ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है. ईमेल आईडी फिर से एंटर करेंगे आप, एक ओटीपी जनरेट होता है आपकी ईमेल आईडी पे. आपको ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करके उसे वेरीफाई करना है. पोस्ट वेरिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी. वेरिफिकेशन के बाद आपको अपनी यूजर क्रेडेंशियल फिल करने हैं. यूजर क्रेडेंशियल में आपको अपनी यूजर आईडी देनी है और पासवर्ड देना है. प्लीज नोट दिस यूजर आईडी इज अ वन टाइम एक्टिविटी. आपने अगर कोई यूजर आईडी एक बार क्रिएट कर दी है आप उसे बाद में कभी चेंज नहीं कर पाएंगे. सो इट इज एडवाइजरी फ्रॉम जेम सेट आप कुछ ऐसी यूजर आईडी रखें जिसे आप आगे तक याद रख सकें. तो आपको अपनी यूजर आईडी देनी है, पासवर्ड देना है. पासवर्ड आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं बट वंस द यूजर आईडी इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज योर यूजर आईडी. तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी यूजर आईडी देनी है, पासवर्ड देना. पासवर्ड मस्ट कंटेन कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, वन अपर केस वन लोअर केस. इसके अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है. जैसे आप क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा. सो अकाउंट क्रिएशन इज वेरी इजी प्रोसेस. जैसे हम गूगल वगैरह पे अकाउंट क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आप जेम पे भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. थोड़ी दिक्कत आती है प्रोफाइल अपडेशन में लेके. प्रोफाइल अपडेट में आपको अपनी कंपनी की रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है. तो प्रोफाइल अपडेट में आपको अपनी कंपनी का पर्सनल पैन नंबर डालना है. ये आपको डिटेल मिलेगी कंपनी प्रोफाइल में. जहाँ पे पैन वैलिडेशन करना है आपको कंपनी की डिटेल एंटर करनी है, ऑफिस लोकेशन डालना है, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, टैक्स असेसमेंट फिल करना है, की पर्सन वैलिडेशन कंप्लीट करना है. इफ़ यू आर एमएससी तो आपको अपना एमएससी सर्टिफिकेशन देना है. एंड ऑप्शनली स्टार्टअप, आप स्टार्टअप देके स्टार्टअप के बेनिफिट भी ले सकते हैं. तो पहले आपको अपनी पैन वैलिडेशन कराना है. पैन वैलिडेशन के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पे, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप कंपनी या फर्म है तब आपको कंपनीज का पैन नंबर फिल करना है. इफ़ यू आर ए प्रॉपरशिप
देन आपको अपने अपना पर्सनल पैन नंबर एंटर करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। कंपनी डिटेल में आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टार्टअप हैं या आप MSCs हैं, तो आपको वो फिल करना है। और कंपनी डिटेल में आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आप कंपनी है या फर्म है तो आपको सिन नंबर से अपना कंपनी डिटेल फिल करनी है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तब आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फिल करनी है। कंपनी डिटेल में आप MSC डिटेल डाल सकते हैं कि आप अगर MSCs हैं तो MSC का उद्योग आधार नंबर डाल सकते हैं, फिर उद्यम नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आपका ये सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ITR इन्फॉर्मेशन आपको तब डालनी, टैक्स असेसमेंट आपको तब मैंडेटरी है। अगर आपकी कंपनी 2 साल से ज्यादा पुरानी होती है तभी आपको टैक्स असेसमेंट फील्ड जो है कंप्लीट मिलेगी। ओके, सो जैसे आप ये सारी डिटेल कंप्लीट कर लेंगे, जैसे आप अपनी सारी डिटेल कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास 4 फील्ड्स आएंगे, माय कंपनी, माय एक्शन, पर्सनल सेटिंग और माय टीम। जब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आप कोई भी कैटलॉग अपलोड कर पाते हैं। 100% प्रोफाइल होने के बाद आप की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी पोर्टल पे और फिर आप अपना वेंडर असेसमेंट कराने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। जब तक आपकी कंपनी 100% कंप्लीट नहीं होती उससे पहले तक आप वेंडर असेसमेंट नहीं करा पाएंगे। वेंडर असेसमेंट डन होने के बाद आपके पास OEM पैनल मिल जाएगा और रीसेलर पैनल मिल जाएगा। OEM पैनल पर जाके आप अपनी OEM की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, आपको बस अपना वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करना है, OEM पैनल लेना है इफ यू आर द OEM, एंड रीसेलर पैनल मिलेगा इफ यू आर द रीसेलर। उस पैनल पर जाके आप अपनी ऑथराइजेशन कोड वगैरह एंटर करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैटलॉग मैनेजमेंट फॉर सर्विस। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको किस तरीके से अपनी सर्विसेज अपलोड करनी है उसके बारे में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हम आपको गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में बताएं। सो गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको 6 तरीके की मिलेगी जेम के पोर्टल पे। फर्स्ट है गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस पर किलोमीटर बेस्ड, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस पर मैट्रिक टन पर किलोमीटर बेस्ड, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस पर ट्रिप बेस्ड सर्विस, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस पैकेजिंग बेस्ड, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस पर मैट्रिक टन बेस्ड, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस मंथली बेस्ड सर्विस। तो ये 6 टाइप्स की सर्विस मिलेंगी आपको गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट में। आप अगर सारी दे सकते हैं तो सारी सर्विसेज में अपनी सर्विस अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज को ही ऑफर करना है तो आप उन सर्विस की पे क्लिक करके उन सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी सर्विसेज को ऑफर करना होता है। ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड अ कस्टम बिड फॉर सर्विसेज। अगर आप कस्टम बिड ऑफर करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने कस्टम बिड लॉन्च कर दिया है, एंड फॉर दिस कस्टम बिड पहले आपको अपनी कस्टम बिड फॉर सर्विसेज में जाके अपने आप को एनरोल करना है। वहाँ पे बस सब पे आपको टिक टिक कर देना कि आपसे सारी चीज फुलफिल कर सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। सपोज मैंने कोई एक सर्विस ले ली, इस सर्विस में जाके आपको पहले उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है, सर्विस में क्या डिस्क्रिप्शन है और उसका सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है। सभी सर्विस का एक सेपरेट सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। उस सर्विस लेवल एग्रीमेंट में वी कैन सी द बायर्स ऑब्लिगेशंस, सेलर्स ऑब्लिगेशंस, हु विल बी पेनलाइज्ड इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको सभी चीज इस SLA के अंदर मिल जाएगी। आप इस SLA को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फर्दर रीड कर सकते हैं। देन वी हैव ऑप्शन टू एंटर द एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व करने का तब आप अपना एक्सपीरियंस भी फिल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल आप डाल सकते हैं, एंड दिस प्रोजेक्ट डिटेल इज गॉट वैलिडेटेड बाय QCI। QCI इन सब चीज़ों को वैलिडेट करते हैं। इन वैलिडेशन के बाद ही आपके सर्विसेज को मार्केट में लाइव किया जाता है। ऐसा सिर्फ आपको बाकी सर्विसेज में मिलेगा, कस्टम बिड फॉर सर्विसेज में ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। बस आपको अपनी सर्विस देनी है, तुरंत ही आपकी सर्विस मार्केट में लाइव हो जाती है। एंड वी हैव एन ऑप्शन फॉर रेट शीट। आपको अपनी रेट शीट भी फिल कर देनी है। आपको अपने सर्विस चार्ज डिक्लेयर करने हैं कि आप अपने कितना सर्विस चार्ज देना चाहते हैं। ये सर्विस चार्ज आपके मार्केट के सर्विस चार्ज रहेंगे, बट वाइल बिड पार्टिसिपेशन आप अपने सर्विस चार्ज को बिड के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आपको अपनी रेट शीट फिल करनी है, देन
will have an option to upload the certificate. Ye jo certificate तो ये जो सर्टिफिकेट्स है आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरीके की सर्विस है. इफ दिस इज सिक्योरिटी सर्विस के लिए हम पसारा लाइसेंस मांगते हैं. अगर आपको कोई फूड रिलेटेड सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, सपोज रेस्टोरेंट सर्विस, उसके लिए हम FSSI सर्टिफिकेट मांगते हैं. तो बेस्ड अपॉन द सर्विस हम आपसे सर्टिफिकेशन मांगेंगे. अगर उस सर्विस में कोई भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगते. तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक कर देना है. तो जैसे हम इस वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद आपकी सर्विस मार्केट में लाइव हो जाती है और पहले ये जाएगी क्यूसीआई के पास. क्यूसीआई से वैलिडेट करेंगे. आफ्टर वैलिडेशन इट विल टेक अराउंड 3 days, 3 दिन सो आफ्टर वैलिडेशन अराउंड फॉर 3 days. इसके बाद आपकी सर्विस मार्केट में लाइव हो जाती है. तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द कस्टम कैटलॉग बेस्ड बिड फॉर सेलर. आप एज अ सेलर किस तरीके से अपनी बिड सो फॉर दिस कस्टम कैटलॉग बेस्ड बिड फॉर सर्विस हम देखते हैं किस तरीके से आप कस्टम बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ सेलर. सो फॉर दिस वी नीड टू लॉग इन एज ए सेलर. आपको एज अ सेलर लॉग इन करना है. चाहे आप प्राइमरी सेलर से के आईडी से लॉग इन करें, चाहे आप सेकेंडरी सेलर के आईडी से लॉग इन करें, आपको आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना है. आफ्टर लॉग इन आपको बिट्स का बटन मिलेगा. आपको इस बिट्स वाले बटन पर क्लिक करना है. क्लिक होने के बाद आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, कस्टम बिड, कस्टम आइटम बिड और आर ए. आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके जितनी भी कस्टम बिड क्रिएटेड हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. एंड इफ यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट आप उन बिड में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे. यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगे. सर्विस बिड आ रहे, सर्विस बिड आ रहे, बंच बिड आ रहे, सर्विस बंच बिड आ रहे, बिड टू आ रहे. तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडवांस सर्च. इस एडवांस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप बिड को एडवांसली सर्च कर सकते हैं. अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन की ही बिड्स देखनी है तो वो भी देख सकते हैं. किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की क्रिएटेड बिड ही अगर आपको देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं इस एडवांस सर्च. फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है कि ONGC दिल्ली ने कितनी बिड क्रिएट की हैं तो आप वो भी देख सकते हैं इस एडवांस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके. ऑप्शन मिलेगा आपको फिल्टर बाय. आप इस फिल्टर बाय पे क्लिक करके आइटम वाइज बिड भी सर्च कर सकते हैं या फिर बिड नंबर डाल के भी आप बिड सर्च कर सकते हैं. कई बार होता है कि बिड नंबर पे आपके पास नोटिफिकेशन आता है. अगर आपने अपनी ऑफरिंग दे रखी है फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उस आइटम से रिलेटेड जितनी भी बिड मार्केट में फ्लोट होती हैं सभी के पास सभी की इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी. अगर आप उस बिड में पार्टिसिपेट करने के इंटरेस्टेड हो तो आप जेम के पोर्टल पर जाके बिड नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं. सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे कस्टम बिड में पार्टिसिपेट करना है तो मैंने कस्टम आइटम बिड और आर ए पे क्लिक किया. इसके बाद मुझे टेक्निकल बिड में जाना है. बिकॉज दिस इज अ कस्टम बिड तो मेरा प्रोडक्ट पहले से अपलोडेड नहीं होगा तो मुझे बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को फिर से अपलोड करना है. तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हियर इफ यू वांट टू अपलोड ए न्यू प्रोडक्ट. सो दिस इज अ कस्टम बिड. तो कस्टम बिड में तो रिक्वायरमेंट कस्टम होती है कि बायर की रिक्वायरमेंट आपको बाद में पता चलती है. तो क्या कर सकते हैं आप, क्लिक हियर टू अपलोड ए न्यू प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करेंगे आप. इसके बाद आपके पास एक नई कैटेगरी आएगी, यूनिवर्सल कैटेगरी. आपको अपना प्रोडक्ट इस यूनिवर्सल कैटेगरी में अपलोड करना है. तो कैटेगरी में अपलोड करने के लिए आपके पास ब्रांड का नाम डालने का ऑप्शन आएगा. आप ब्रांड नेम फिल कर सकते हैं एंड देन यू विल हैव टू सर्टिफाई दैट आई एम द आइदर OEM ऑफ द ऑफर्ड ब्रांड और हैव रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर दिस ब्रांड और आई हैव गॉट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम OEM फॉर दिस ब्रांड. आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके सर्टिफाई कर देना कि आप इस ब्रांड को बेचने के लिए एप्लीकेबल हैं. देन गोल्डन पैरामीटर्स होंगे. गोल्डन पैरामीटर्स में आपको यस चूज कर लेना कि आप बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी पैरामीटर्स फुलफिल कर पाएंगे. फिर आपको उसे सेव कर देना है. सेव होने के बाद आपको कैटलॉग इन्फॉर्मेशन में जाके मेक और मॉडल की इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है और जिस बिड नंबर के अगेंस्ट आप ये यूनिवर्सल कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं उस बिड नंबर को आपको यहाँ पे मैंशन कर देना है. एंड वी कैन क्लिक ऑन द सेव एंड प्रोसीड. आफ्टर डेट वी कैन ऑफर द
ऑफर क्वांटिटी आपको यहाँ पर चूज करना कि आप उसे एज ए ओएम अपलोड करना चाहते हैं या फिर एज ए रीसेलर अपलोड करना चाहते हैं। आपके पास दोनों ड्रॉप डाउन मिलेंगे, ओएम का भी और रीसेलर का भी। देन वी विल हैव टू एंटर द कंट्री ऑफ ओरिजिन। आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करनी है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। इफ कंट्री ऑफ ओरिजिन इज इंडिया देन यू विल हैव टू डिक्लेयर मेक इन इंडिया कंटेंट एज पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया पॉलिसी। आप अपना मेक इन इंडिया कंटेंट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेक इन इंडिया डिक्लेरेशन क्लिक करना है और किस स्टेट में आपको ये सप्लाई करनी है वो लोकेशन आप अपने यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन वी विल हैव टू कंप्लीट द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। आप प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन फिल कर सकते हैं। आप बायर के जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे, उन स्पेसिफिकेशन से कितने स्पेसिफिकेशन आपके मैच करते हैं वो टिक मार्क करके आप अपना स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको उसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट वी कैन अपलोड द इमेज। आपको 3 इमेजेस अपलोड करनी है। इमेज अपलोड होने के बाद आपका प्रोडक्ट मार्केट में लाइव हो जाता है। इसमें कहीं भी अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा, यूनिवर्सल कैटेगरी में जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट अपलोड करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड। अप्रूव्ड होने के बाद आपको बिड में पार्टिसिपेशन कंप्लीट करना है। बिड पार्टिसिपेशन कंप्लीट करने के लिए जब आप बिड में पार्टिसिपेट करेंगे एक तरफ बायर का रिक्वायरमेंट आएगा, एक तरफ आपका सेलर जो आप ऑफर कर रहे हैं वो आएगा। दोनों डाउनलोड दोनों डॉक्यूमेंट फॉर्म में होते हैं। आप इन दोनों को डाउनलोड करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी ऑफरिंग बायर के रिक्वायरमेंट से मैच करती है। इसके बाद आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके सेकेंड स्टेज आएगी ऑफर प्राइस। आप यहाँ पे रेफरेंस प्राइस के अकॉर्डिंग अपना ऑफर प्राइस मेंशन कर सकते हैं कि आप उतनी स्पेसिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को कितने प्राइस में ऑफर करना चाहते हैं। देन आपको इसके अकॉर्डिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। अगर आपसे बायर ने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे हैं लाइक सर्टिफिकेशन और ऑथराइजेशन आप वो भी अपलोड करके बिड में पार्टिसिपेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ विच इज मोर स्पेसिफिक टू द सर्विसेज। तो आज का इतना ही टॉपिक था एंड वी हैव मल्टीपल मोड्स ऑफ लर्निंग। जो मैंने भी आपको प्रेजेंटेशन दिखाई सारी प्रेजेंटेशन हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है विच इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाले पोर्टल पे सारी हमारी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। जो प्रेजेंटेशन मिस हो गई है या फिर आप फर्दर देखना चाहते हैं हमारे LMS पोर्टल पे विजिट करके आप सारी प्रेजेंटेशन PPT मोड में और वीडियो फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सबमिट योर अटेंडेंस फॉर टुडे। दिस इज अटेंडेंस लिंक। आप इस लिंक पे विजिट करके आज के अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं जिसके बेस पे आपको एक सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। एंड दिस इज अ मल्टीपल चैनल टू सपोर्ट यू। वी हैव FAQs, आप हमारे FAQs पढ़ सकते हैं। आप हमारी हेल्प डेस्क जो ईमेल आईडी उस पर ईमेल कर सकते हैं। कोई भी इशू अगर आपको जेम को यूज करने में आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे लाइव चैट का ऑप्शन भी आपको इनेबल करा दिया है। लाइव चैट ऑप्शन इज अवेलेबल वेर यू कैन चैट टू आवर एग्जीक्यूटिव। हमारे हेल्पलाइन नंबर भी ओपन है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 8 AM टू 8 PM। एंड ऑल्सो वी लॉन्च द आस्क जेमी। आस्क जेमी इज ए AI चैटबॉट। आप इस पर क्लिक करके 24/7 हेल्प ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। दिस इज माई प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच मनिंदर जी। इट वॉज रियली वंडरफुल 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 प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर साइड ऑन जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके पार्टिसिपेंट्स, एक बार जोरदार तालियां बजाइए मनिंदर जी के लिए, इतना शानदार प्रेजेंटेशन दिया। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था बट एनीवे फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। ऑन बिहाफ ऑफ आवर एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजर्स एवरीबडी, हम मनिंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ व्यक्त करना चाहते हैं। और अभी नाउ द रूम इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग जेम, कैसे उस रजिस्ट्रेशन करना है और बाकी और भी क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है जो भी आपको पूछना है, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू देन। ओके, आप जो है ना या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अगर उसमें कोई तकलीफ हो रही है आपको तो। यस, आप सवाल पूछिए जरा अभी। सो लेट अस हैव सम इंटरेक्शन, सम डिस्कशन। इट शुड बी टू वे ट्रैफिक, नो वन वे ट्रैफिक होने से फायदा नहीं है।
तो अगर वन वे ट्रैफिक होगा तो सब हम समझ जाएंगे कि ये तो ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन मोड में सभी लोग आराम में बैठे हुए हैं, नो बडी इज टेकिंग इंटरेस्ट। तो हम जो इतना एफर्ट्स कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि अपने अपने क्वेरीज जो है वो पूछिए, या मिस्टर संजय गढ़पाले या गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। महेंद्र सर, आई हैव वन क्वेश्चन। सपोज इफ एनी प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द जेम पोर्टल इन एनी ऑफ द कैटेगरी, then as per the PMC circular of 23rd December, we have to take the GM availability report and past transaction summary ID also. Apart from that, what further we have to do? If matlab, taking GM availability report is sufficient or what to do? Sir, you are talking about as a buyer perspective, na? Yeah. Okay, so for the buyer, we have launched a GM availability report. So aapko GM availability report जनरेट करनी है एंड बाय हैविंग दिस जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट आप कस्टम बिड भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने ये आपको टॉपिक दिखाया था सेलर पार्टिसिपेशन फॉर कस्टम बिड, आप कस्टम कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कैटेगरी जेम पे क्रिएट की जा सकती है अगर वो प्रोडक्ट या सर्विसेज होता है तो लेट मी क्लियर, ओनली देयर इज अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, एज ऑफ नाउ वर्क इज नॉट अवेलेबल। अगर वो वर्क की कैटेगरी में आता है तब आप सी ट्रिपल पी पोर्टल या कहीं और से परचेज कर सकते हैं, बट इफ इट इज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज तो आपको जेम से परचेज कर सकते हैं कस्टम कैटेगरी क्रिएट करके। सर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, से एग्जाम्पल आई हैव टू परचेज द पिग एंड दैट प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द कैटेगरी, तो ये तो इन दैट केस एक कस्टम बिट करवाना है, इज इट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एमएम और इंडेंटर? सर देखिए क्योंकि मैं आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बार बार निकालेंगे तो जेम अथॉरिटी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हमने कस्टम बिड की फंक्शनैलिटी दी हुई है आप उसे यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी मिनिस्ट्री आपसे कई बार क्वेश्चन करें कि आप ये चीज बाहर से बार बार क्यों परचेज करें अगर जेम पे कस्टम बिड बनाने की फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो चुकी है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आप जेम पे बना सकते हैं कस्टम कैटेगरी तो बना लीजिए, आपको पहले जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी है और आपको कस्टम कैटेगरी क्रिएट कर लीजिए है। तो अभी ये सेशन हमारा मोर स्पेसिफिक है सेलर्स को लेके, तो अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिकली बायर, जिसमें हम आपको कस्टम बिड बनाने का फंक्शनैलिटी बता सकते हैं। तो आप इसके लिए भी हमसे एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज के लिए बोल सकते हैं, हम एक सेपरेट ट्रेनिंग कर सकते हैं फॉर दिस टॉपिक फॉर कस्टम बिड फॉर बायर। ओके ओके सर, थैंक यू। पार्टिसिपेंट जो भी आपके क्वेश्चन हैं काइंडली आप या तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर आप अपने आप अपने हैंड्स अप करके हैंड राइज करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट मनिंदर सिंह प्रेजेंटेशन, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन मनिंदर जी, एंड आई हार्डली कांग्रेचुलेट सोम कुमार जी फॉर ऑर्गेनाइज सच अ वंडरफुल प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ एसएससी एंटरप्रेन्योर्स। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल सो टू अंडरस्टैंड निटिगिटी ऑफ दिस इंपॉर्टेंट जेएम पोर्टल्स। माय क्वेश्चन इज हियर कि सपोज दोज हु आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, manufacturers can also upload, but those who are traders, they make a third party packaging, labeling, and sell the product. Can they do on their supporters? Definitely, sir. As a reseller, you can also upload your product. So OEM and reseller both can upload their product, but as a reseller you will have to take a authorization number from your OEM. So जो भी आपके parent OEM होंगे आपको उनसे authorization number लेना है, authorization number के बाद ही आप as a reseller अपने product को upload कर सकते हैं। Authorization number from your parent OEM, मतलब manufacturer, as हाँ from the manufacturer।
अगर आप सपोज एचपी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको एचपी से ऑथराइजेशन लेना है. अगर आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको उस ब्रांड के ओनर से ऑथराइजेशन लेना है. OEM बना के देगा. आपको अपने OEM से बात करनी है, वो आपको ऑथराइजेशन कोड देंगे. वो ऑथराइजेशन कोड आपको जेम पे एंटर करके अपने आपको वेरीफाई करना है. So we have to contact to the manufacturers and take the authorization code from them. But yes, manufacturers are in the rural areas. They are making, they are having the knowledge to produce a good product, but they don't know how to make the authorizations. Okay, so let me clear. There are four types of quadrant. Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. If the product is from quadrant 1, 2, or 3, then you will have to take a authorization. Now quadrant 4 hota hai. वहां पे आपको ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. फोर्थ क्वाड्रेंट लाइक लो एंड जनरल आइटम्स लाइक स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट्स, सोप से भी एडिबल आइटम्स एक्सेट्रा, तो दे आर इन द क्वाड्रेंट 4. तो अगर प्रोडक्ट किसी क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट के अंदर है तब आपको ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है. बट इफ द प्रोडक्ट इज फ्रॉम क्वाड्रेंट 2 और 3 तब आपको ऑथराइजेशन कोड लेना पड़ेगा. सो व्हाइल अपलोडिंग अ प्रोडक्ट, जैसे आप प्रोडक्ट की कैटेगरी फिल करते हैं, कैटेगरी फिल होने के बाद ही जेम आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा कि ये क्वाड्रेंट 1 के अंदर आता है, 2 के अंदर आता है, 3 या 4 के अंदर आता है. फ्रॉम वेयर विल गेट दिस, फ्रॉम वेयर विल गेट दिस क्वाड्रेंट्स क्लासिफिकेशन, हाउ टू गेट द नॉलेज? सर, क्लासिफिकेशन इज अवेलेबल अंडर रिसोर्सेज बटन. अगर आप हमारे रिसोर्सेज बटन में जाएंगे, वहां पे CMS मिलेगा आपको, CMS कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम. कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम में हमने दिया कि कौन कौन सी कैटेगरी क्वाड्रेंट 1, 2 और 3, 4 के अंदर आती हैं. अगर आपका प्रोडक्ट क्वाड्रेंट 4 के अंदर है तो ऑथराइजेशन कोड इतना मैंडेटरी नहीं है, बट इफ द प्रोडक्ट इज फ्रॉम क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 देन ऑथराइजेशन कोड इज मैंडेटरी. ओके, डिटेल गाइडलाइन विल बी अवेलेबल ऑन द जेम पोर्टल्स ओनली, ऑल दिस हां, इट विल अवेलेबल ऑन रिसोर्सेज बटन. तो आप हमारे पोर्टल पर जाएंगे, रिसोर्सेज का बटन आएगा सबसे नीचे, आपको रिसोर्सेज में जाके सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट हेल्प आप ले सकते हैं. Like I just request you, like should be Stand Up India, should be has provided the helping hands, supporting systems. They have recognized some of the expert institutionals or expert consultant, and they take the help of that. Through them, they can form a project report. They can upload it. All these things. Do we have such systems under their category organization to facilitate the layman? Sir, you can. Can register yourself as a trust or society. And this trust or society registration is my question is, like Stand Up India scheme, Government of India, they have recognized some of the agencies who will facilitate for this process, like Stand Up India project preparation, uploading, okay, contacting, okay. So like that under the James portal, we have made such systems. I'm asking you. Because this is not easily available to the grassroots level. Sir, as of now, this functionality is not available. Okay. As of now, this type of functionality is not available. But we have a business facilitator. We have a regional business facilitator in each and every state. आप उस business facilitator के help ले सकते हैं, आपके जो भी regional state के facilitator हो. Okay. And the list of business facilitator is available online. मैं आपको लिंक जो है चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं. ओके ओके, दैट्स अ गुड थिंग, कांग्रेचुलेशन. आप काइंडली शेयर दिस प्रेजेंटेशन टू द पार्टिसिपेंट फॉर देयर नॉलेज. दे आर इंटरेस्टिंग, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. दिस प्रेजेंटेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल. दिस प्रेजेंटेशन इज आल्सो अवेलेबल ऑन द पोर्टल. मैं आपको उस पोर्टल का लिंक भी दे दूं जहां पे प्रेजेंटेशन अवेलेबल आपको मिल जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. मिस्टर मरिंदर सिंह हैज ऑलरेडी शेयर्ड दैट लिंक नो, जेम का जो है ना. कामले साहब, वहाँ पे आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स टू गो टू क्लिक ऑन दिस लिंक नो, और जो पार्टिसिपेंट्स का सर्टिफिकेट अगर इफ यू वांट नो तो आपको मिल जाएगा. सो काइंडली डू दैट, राइट? थैंक यू वेरी मच कामले साहब. नाउ नेक्स्ट इज सुकेशना गो अहेड. गुड मॉर्निंग सर. सर, मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट्स एंड ग्रोसरी में डील करती हूँ, तो उसके बारे में मैं जेम पोर्टल में रजिस्टर करना चाहती हूँ सर, तो उसके बारे में कुछ गाइडलाइन चाहिए सर. देखिए, मैं पहला स्टेप होता है कैटेगरी सर्च करने का. आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. यहाँ पे टू स्टेप रजिस्ट्रेशन होता है. पहला रजिस्ट्रेशन आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन. आपका जो भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं
उस प्रोडक्ट को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है कैटेगरी सर्च का, आपको अपनी कैटेगरी सर्च करनी है। अगर कैटेगरी जेम के पोर्टल पर अवेलेबल है तब आप अपनी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ऑर्गेनिक फूड के बारे में बात करी थी, अगर वो कैटेगरी अवेलेबल है तब आप ऐड कर सकते हैं। तो कैटेगरी आप ओपनली भी सर्च कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, आपको जेम के पोर्टल पर जाना है, कैटेगरी सर्च कर लेनी है। इफ द कैटेगरी इज अवेलेबल यू कैन डेफिनेटली अपलोड योर प्रोडक्ट, बट अगर कैटेगरी क्रिएटेड नहीं है तब आपको कैटेगरी क्रिएशन की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी जेम के पोर्टल पे। आप कैटेगरी क्रिएशन की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है सुकेश ना, थैंक यू सर। ऑल राइट नो, हाँ सर, गॉट योर पॉइंट नॉट, हैप्पी नाउ? वो क्या yes, कहा मनिंदर जी ने कि अगर कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? यस सर, यस। तो या जल्दी जल्दी करिए, ओके, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, नाउ इज नेक्स्ट बीज क्रॉप सॉल्यूशंस, या गो इट प्लीज, बीज क्रॉप सॉल्यूशंस, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, Mahinda sir, I have a question. You said that there are multiple type of training available, webinar and LMS. So there was option of master training, there was mentioned. So what is that and how to go for that? Sir, master training program हमारी departmental wise होती है. As of now, हम master training program अभी कर नहीं रहे हैं. जब भी हमको मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे पोर्टल पे अपडेट कर देते हैं, आप उसमें नॉमिनेट कर सकते हैं और मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग, हमारी वेबिनार्स होते हैं, कल हमारा एक वेबिनार है सेलर्स के लिए, आप उस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप वो वेबिनार का लिंक और बाकी कुछ होगा ना उसका यूजर नेम पासवर्ड वो भी डाल दीजिए। जी जी, मैं आपको एक जो है कैलेंडर शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप इस कैलेंडर पे जाके मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? हाँ 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 हाँ, गो इट, या मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, सो प्लीज कंफर्म इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। यस यस, यू आर विजिबल, या ठीक है। तो आपको क्या करना है, जेम की साइट पे जाना है, दिस इज अ जेम पेज। मैं आपको एक बार साइट का ओवरव्यू दे देता हूँ इस साइट पे कहाँ पे क्या चीज है। सो दिस इज अ जेम साइट। अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको नीड हेल्प का बटन दिखाई देगा, नीड हेल्प। नीड हेल्प के नीचे आपको FAQs मिल जाएंगे, आप हमारे FAQs पढ़ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं हमारे पोर्टल पे, कोई टिकट रेस कर सकते हैं इनकेस अगर आपको कोई भी इश्यूज हो रहा है जिम का पोर्टल यूज करने में, टिकट रेस कर सकते हैं और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लॉग इन एंड साइन अप का बटन भी मिलेगा आपको, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप लॉग इन कर सकते हैं। अकाउंट आपने अगर नहीं बनाया तो आप साइन अप पे जाके अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। बिट वाले सेक्शन पे जाके आप ऑनगोइंग बिट्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी बिट्स अभी जेम के पोर्टल पर रनिंग है, और जो बिट खत्म हो चुकी है आप उनका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि बिट किसको मिली और उस बिट का क्या स्टेटस रहा, कौन L1 बना, आप वो भी चेक कर पाएंगे। आप न्यू ऑन जेम पे क्लिक करके नई जो भी फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड हुई है आप उनकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। मैं आपको आज का पॉइंट दिखा देता हूँ, ट्रेनिंग। जब आप सबसे नीचे जाते हैं तो ट्रेनिंग बटन मिलेगा आपको, आप इस ट्रेनिंग कैलेंडर को ओपन कर सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग कैलेंडर ओपन करेंगे तो आपको बायर की ट्रेनिंग मिलेगी, सेलर की ट्रेनिंग मिलेगी। हमारे वीक में वंस इन ए वीक हम एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर बायर एंड सेलर, आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि 17th को कल हमारी एक ट्रेनिंग थी बायर के लिए, इसी तरीके से 19th को एक ट्रेनिंग होने वाली है सेलर की। उसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन एंड बाकी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग को अप्लाई करने के लिए आपको ट्रेनिंग कैलेंडर ओपन करना है। ट्रेनिंग कैलेंडर ओपन होने के बाद आपको इस 19th वाली डिटेल पे क्लिक करके नॉमिनेट कर लेना अपने आपको। यहाँ पे बटन आएगा सबमिट ट्रेनिंग नॉमिनेशन, तो आप इस ट्रेनिंग नॉमिनेशन पे क्लिक करके अपना नाम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कितने पार्टिसिपेंट आपकी तरफ से ज्वाइन करेंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप उसे सबमिट करेंगे तो कुछ देर बाद आपके पास पार्टिसिपेशन का लिंक वगैरह भी आ जाएगा। तो इट्स ए कंप्लीट फ्री ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग का यूज ले सकते हैं। 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है, ज्यादा देर की ट्रेनिंग नहीं हुई। सब सारे प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, तो सारा आप जान सकते हैं इस फ्री के, इस जो वेबिनार हो रहा है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव फैसिलिटेटर लिस्ट, तो हर स्टेट में हमारे एक एक दो दो रीजनल फैसिलिटेटर है, आप इनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो हर स्टेट के लिए एक एक या दो दो रीजनल फैसिलिटेटर है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी भी दिया, इनका फोन नंबर भी दिया हुआ है। सपोज अगर आपको मुंबई के लिए जानना है तो महाराष्ट्र के लिए निखिल पाटिल जी हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
इसी तरीके से हर स्टेट के लिए एक एक दो दो फैसिलिटेटर आपको मिलेंगे. ऑल्सो वी हैव अ ट्रेनिंग मॉड्यूल, आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल पर क्लिक करके ट्रेनिंग के पीपीटी और वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे आपको दोनों की ट्रेनिंग मिलेंगी, बायर की भी है सेलर्स की भी है. और आप सेलर ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, आपका कैटलॉग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बिडारे में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनवॉइस आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं. ऑल्सो इन द एड ऑन सेक्शन, आप इस एड ऑन सेक्शन पे जाके सेलर डैशबोर्ड देख सकते हैं, वेंडर असेसमेंट कैसे करना है वो आप देख सकते हैं, ओईएम पैनल कैसे मैनेज करना है, रीसेलर पैनल कैसे मैनेज करना है, वर्क फ्लो क्या है आपका ओईएम का, और ईएमडी पीबीजी कैसे आपको सबमिट करनी है, कैटलॉग कैसे पेयर करना, तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है. आप इनको रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इन द रिसोर्सेज सेक्शन, रिसोर्सेज के अंदर आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगे. आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को ओपन करेंगे, सेलर्स पॉलिसीज में जाके आप सेलर की पॉलिसीज देख सकते हैं, वेंडर वैलिडेशन पॉलिसी, ईएमडी ईपीबीजी फॉर्मेट, प्रीरिक्विजिट फॉर रजिस्ट्रेशन, डीम्ड ओईएम अंडरटेकिंग, बीजी फॉर्मेट, सीएमएस 2.0. तो ये जो है सीएमएस 2.0 पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी किस क्वाड्रेंट के अंदर आती हैं. प्लीज आपके जो भी अदर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. या इसको तो स्क्रीन को थोड़ा, अच्छा ओके ठीक है. नाउ प्रांस करके है कोई या टेक्नोलॉजी या गो एट अनम्यूट योरसेल्फ देन गो एट प्रांस टेक्नोलॉजी या हेलो हेलो या गो एट कैन यू यस आई एम ऑडिबल नाउ सर. You are audible, but your video is not okay. My video is having some problems. Problem. Okay, go ahead. Is it okay? Oh, it's okay. Yeah. Okay. My name is Praveen Tapase. Yeah. And, thanks. Thank you, sir, for hosting this beautiful webinar. So my question is to Mr. Manendra Singh, sir. Manendra Singh. This is regarding a new proprietor getting as a reseller registered into this. Okay. So, ये न्यू प्रोप्राइटर का बिजनेस है तो ये रजिस्टर हो सकता है अगर उसको होने के लिए वेंडर असेसमेंट फी जो है क्या ये वेव ऑफ होती है फॉर अ न्यू प्रोप्राइटर. फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑथराइजेशन जो लेटर चाहिए. तो रिसेंटली आई ट्राइड टू डू दैट बट फॉर एग्जाम्पल अ वेंडर लाइक HP और Dell वो लोग लेटर नहीं देते अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर नहीं गया हो. So for a new proprietor, that is difficult. So in this case, anything can be done like to waive off a MAF requirement, jo hoti hai bid mein normally. Two questions to you, sir. तो सर जैसा आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप न्यू स्टार्टअप हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट है. अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है DIP में तो उसका बेनिफिट एक डिफरेंट होता है, वो बेनिफिट आप ले सकते हैं. इन जेम पोर्टल अगर आप एज ए न्यू प्रोप्राइटरी रजिस्टर कर रहे हैं तो हम आपसे ITR डिटेल नहीं पूछते. आप ITR वेरिफिकेशन के लिए आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं. बट अगर आप किसी कैटेगरी में डील करते हैं, किसी कैटेगरी के ओनर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको वेंडर असेसमेंट करवाना होता है. रीसेलर के लिए सभी कैटेगरी के मैंडेटरी है, रीसेलर के लिए कुछ कुछ कैटेगरी के मैंडेटरी है वेंडर असेसमेंट करवाना है. बट जैसे आपने बात कही कि बड़े बड़े ब्रांड आपको ऑथराइजेशन नहीं देते तो आपको उनसे ही लेना है क्योंकि जेम हम सिर्फ एक पोर्टल है जो फैसिलिटेट करते हैं. ऑथराइजेशन आपको अपने पेरेंट ओईएम से लेना है, जैसे कि आपने HP या फिर बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लिया, आपको उनसे ही ऑथराइजेशन लेना है क्योंकि एक ऑफलाइन प्रोसेस है ऑथराइजेशन लेने का. बट अगर आपके पास ऑथराइजेशन है तो जेम के पोर्टल पे आप आके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डायरेक्ट परचेज आपको के थ्रू आपको ऑर्डर मिल सकता है, बिडिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लेकिन ऑथराइजेशन आपको अपने पेरेंट ओईएम से ही लेना पड़ेगा, उसमें जेम आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा. सर लेकिन ये ऑथराइजेशन का क्राइटेरिया जेम की तरफ से है ना, तो वो वेव ऑफ हो सकता है क्या फॉर इनिशियल? नहीं, अगर वो क्वाड्रेंट 2 है जैसे आपने HP जो बात की है, HP क्वाड्रेंट 2 के अंदर आते हैं उसमें OEM से ऑथराइजेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है. बट अगर क्वाड्रेंट 4 है जैसे कि पेंसिल होगी, जैसे कि स्टेशनरी सैनिटेशन प्रोडक्ट होगी, उसमें जरूरत नहीं पड़ती है. या फिर कोई आर्ट वर्क हो गया, हैंडीक्राफ्ट वर्क, उसमें जरूरत नहीं पड़ती. बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हुआ या फिर कोई डेस्कटॉप सर्वर टाइप के प्रोडक्ट होगा, उसमें जरूरत पड़ती है आपको ऑथराइजेशन नंबर लेने की.
क्योंकि उसमें वारंटी इंक्लूड होती है, उसमें आपको आफ्टर सेल सर्विस भी इंक्लूड होती है। तो क्योंकि पहले के जेम पे इस तरीके से बहुत इंसैनिटी हो रही थी, कोई भी कुछ भी अपलोड कर देता था तो मार्केट बहुत खराब हो रहा था, इसीलिए हमने ये CMS सिस्टम लॉन्च किया, सबके साथ मीटिंग करके लॉन्च किया है। तो इसमें आपको ऑथराइजेशन नंबर अपने पेरेंट ओएम से लेना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके या ओके थैंक यू। आपका क्या आपका क्या नाम क्या है? फ्रांस टेक्नोलॉजी है ना, मैं म्यूट हो गया। एनीवे चलिए नेक्स्ट इज मिस्टर आर्थर। या प्लीज गो अहेड मिस्टर आर्थर, अनम्यूट योरसेल्फ देन गो अहेड। Hello, Mr. Yes, yes. Can you hear me? Oh yeah, yes, loud sir. And clear. Yeah, go ahead. Okay, Mr. Manandar. Yes, sir. Yeah, okay. I am from ONGC. Recently we have one procurement process of some material which are meant for these use in the cleaning of our pipelines. So, I've also registered as a buyer. So when I put this procurement through my MM section, so they asked for a GM availability report, and that has been done through your GM portal. Okay. And then this contract, I just want to ask you, it is a rate contract for 3 years. Is GM has such a provision for 3 years rate contract? Sir, rate contract is not possible, but you can avail your service for three years. Rate contract is not available. So you are talking about product or services? It's a product. Okay, so for product we have a staggered delivery. So you can choose the staggered delivery plan for up to 1 year, but rate contract is not possible for 3 years. Okay, because we our quantity may vary, you know, in a year maybe 2 POs will be placed or one like that. For 3 years there'll be 6 POs or 3 POs. It'll be a differential quantities. Okay. Yes, sir. We do not increase rate contract. Okay. The second question, after placing this GM availability report, in the last line of this report, it is written that requirement is recurring, but request for new category creation will be submitted separately post generation of GEM. ARPTS. What is this GM? Can you highlight? Yes, sir. GEM availability report is a GEM ARPTS. Manindra ji, GEM availability report past transaction summary. Manindra ji, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Sir, it's a request to ONGC buyers that this is a forum for seller. And I would request not to ask buyer related questions in this forum. There are other forums. ONGC procedure ke puch rahe hain. So, and especially ONGC procedure. Aapki awaaz break ho rahi hai. Okay, Arthur ji, ye आप ना फिर जो हमारा CM कॉर्पोरेट MM है ना उनसे नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, तो यू कैन आस्क देम एज फार एज इंटरनल जो कुछ वो जिस रिलेटेड कोई है क्वेरी है तो ठीक है ना। ओके ओके ठीक है आर्थर जी। या ओके ओके थैंक्स। ओके थैंक यू। ओके नेक्स्ट इज मिस्टर विजय सोनावाने। या गो अहेड प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ देन गो अहेड मिस्टर सोनावाने। हेलो सर, नमस्कार। जबीन या बोला, नमस्कार जबीन। हाँ सर, न्यू एंटरप्रेनर साठी मागे माझा क्वेश्चन सर हिंदी में पूछना पड़ेगा ना। हाँ सर, पिछली बार मैंने पिछली जूम मीटिंग में पूछा था कि न्यू एंटरप्रेनर के लिए कुछ जो फंड होता है बैंक एंटरटेन नहीं करते, उसके बारे में कुछ करना चाहिए। इसका हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द डेलीगेट्स सर। नहीं, अभी जो सेशन है ना सोनावने जी, वो जेम रिलेटेड है, ठीक है। वो बैंक वगैरह जो है वो बाद में आफ्टरनून में सेशन है, आपने वो पढ़ा होगा ना पूरा जो भेजा हमने शेड्यूल। हाँ तो वो जब वो बैंक रिलेटेड वो जब आएगा जब प्रेजेंटेशन तब आप पूछना अपना सवाल, ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके नेक्स्ट इज कुमकुम। या गो अहेड।
या गो अहेड कुमकुम जी. हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. ऑलरेडी मैंने अनम्यूट किया है आपको. कुछ इश्यू है लगता है. एनीवे, नेक्स्ट इज मिस्टर अमित डोंगरे. या अमित, गो अहेड. यस सर, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. यस सर, मैं सर अमित डोंगरे, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ पाइपटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, थाने अंबरनाथ. ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर वी आर डिजाइन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, सो वी प्रोवाइड ओनली डिजाइनिंग सर्विसेज टू आवर क्लाइंट. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जेम में हमको रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैन वी गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एंड व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स वी गेट. अच्छा, तो देखिए जेम का बेनिफिट ये कि आपको गवर्नमेंट से सीधा ऑर्डर मिलता है और आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करना है जेम के पोर्टल पे, आपको ओएनजीसी या जो भी अदर डिपार्टमेंट है वो भी आपको ऑर्डर दे सकते हैं. सो इट्स अ वेरी बिग एडवांटेजेस. और आप जेम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट परचेज भी ले सकते हैं, बिडिंग भी कर सकते हैं. ओके, क्योंकि वहाँ पे सप्लायर और प्रोक्योरमेंट वही दिखा मुझे, कि सर्विसेज के लिए मुझे कोई ऐसा ये स्पेशल ऐसा दिखा नहीं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा था. और वहाँ पे कुछ एनुअल चार्जेस भी थे, एज एक्चुअली वी आर एमएसएमई रजिस्टर्ड बिल्डर है, तो उसमें कुछ 3000 चार्जेस थे वहाँ पे. तो वही पूछना था कि उसके लिए कोई रिलैक्सेशन है कि वो पर ईयर देना है हमें ऐसा. सर ये चार्जेस आपको कहाँ मिले, ये चार्जेस रजिस्ट्रेशन चार्ज तो कोई नहीं है सर. वहाँ पे एक पॉपअप आया था कि 3000 आपको भरना है, 2999 ऐसे कुछ. हाँ तो हाँ, तो मैं बोला आप लगता है दूसरी साइट पर चले गए होंगे. ओके, नो नो नो, आप किसी फेक साइट पर चले गए होंगे. आप जेम की ओरिजिनल साइट पर जाइए, वहाँ पे कोई ऐसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे आपसे. अच्छा हुआ, तो मैंने वहाँ पे आगे प्रोसीड नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए था उसके रिगार्डिंग. तो मैं कॉल कर रहा था तो फिर मुझे आप जेम की ओरिजिनल साइट नोट कर लीजिए. हाँ सर, बताए ना जेम की जो ओरिजिनल साइट है jem.gov.in, आप उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पे आपको फ्री है. महेंद्र जी, यू कैन शेयर इन द चैट बॉक्स आल्सो, वो जो लिंक है ना ये बात. दैट वुड बी ओके. यस सर, हां बेनिफिट हो सकता है. हां जी यस सर, दैट्स ऑल सर. हां ओके, थैंक यू डोंगरे जी, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट इज तारा फायर सर्विसेज, मिस्टर गोविंद. या गो अहेड. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. मेरा क्वेश्चन है कि हमारा फायर एंड सेफ्टी का बिजनेस है, तो हमारा रीसेलिंग और प्लस सर्विस दोनों चीजें, रीसेलिंग के लिए अगर हम किसी प्रोडक्ट को अगर इसमें एंट्री करते हैं अपने पोर्टल में, ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, बट हम रीसेलिंग के लिए जब प्रोडक्ट डालते हैं ना तो उसमें ओईएम का ऑथराइजेशन मांगता है, बट जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ही नहीं अपने जेम में, तो क्या वो हमें ओईएम रिक्वायरमेंट दे सकता है, ऑथराइजेशन कर सकता है क्या. जी जी जी, अगर ओईएम रजिस्टर्ड नहीं है तो आप भी रजिस्टर कर सकते हैं ओईएम सर. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन आप ओईएम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए और पोर्टल पर एंटर करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं. अगर ओईएम अवेलेबल है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई किया जाएगा, अगर ओईएम रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ऑफलाइन नंबर डाल सकते हैं. ओके, थैंक यू. ठीक है, ओके ओके. नाउ नेक्स्ट इज श्रेया. या श्रेया मैडम, गो अहेड. श्रेया जी, गो अहेड. हेलो. या गो अहेड. या गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. मेरा क्वेश्चन है मालविया सर जी से. मालविया जी, मनिंदर जी है ना. हाँ सॉरी, महेंद्र सर जी से. हाँ जी. ठीक है सी, अभी हम तो एमएसएमई देन जेम पे रजिस्टर्ड है, बट अभी जो सर्विसेज के लिए हमने रजिस्टर्ड लिए है हमारे प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, बट हम जब बीड करना चाहते हैं प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज की कुछ कमी है,
कुछ पढ़ पाते हैं कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो देन इसके लिए हमें कुछ सॉल्यूशन अगर मिल जाता तो बेस्ट होता सर। क्योंकि क्या होता है हर एक के पास तो कोई टेक्निकल नॉलेज है नहीं। वेबिनार आप मतलब अरेंज करवाते हैं, हम अटेंड भी करते हैं, बट वन डे में ये सब समझ पाना जिसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अभी सारे जो स्टिल एंटरप्रेनर्स हैं हमारे जो चाहते हैं कि उनके पास अगर मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, बायर है, बट हाउ टू कनेक्ट ईच एवरी वन, मतलब हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उनको। क्वेश्चन था महेंद्र जी से कि ये जो हमारे 150 या 200 जो भी कैंडिडेट्स है उसमें से अगर किसी एक को आप अच्छे से ट्रेनिंग देके चाहे वो जो भी है कुछ चार्जेस भी लेंगे बट हमें हेल्प कर सकते हैं। सी इफ अगर आप इसे बीड करना चाहते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स पार्ट लेके यहाँ ऑनलाइन हम करवा के दे देंगे, आपको जो भी चार्जेस है वो पे कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा इजी वे हो जाएगा। कोई समझ नहीं पा रहा है कि कैसे हम कनेक्ट करें जिम को, कैसे हम कनेक्ट करें हर एक बीट को। देखिए मैम, ये तो आप जिम को लिख सकते हैं कि किसी पर्सन को असाइन करने के लिए, क्योंकि आई एम नॉट द अथॉरिटी, वो आपको जिम को लिखना पड़ेगा। वैसे तो अथॉरिटी नहीं है सर, मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट करेंगे, बट हम सब तो बैठे है ना, हम 150-200 जो भी कैंडिडेट्स है, देखिए आप अकेले भी इतने सारे लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैं अभी मैंने जेम पे रजिस्टर्ड हूँ, मैंने देखा कि चेयर के लिए अच्छा खासा टेंडर पास हो गया है जिसके लिए मेरे पास टाइम भी है, बीआरसी का टेंडर है और मेरे पास मैन्युफैक्चरर भी है, बट मैं कैसे कनेक्ट करूँ, मैं कैसे उस पर वर्क करूँ, इस रिलेटेड नॉलेज नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं बीड कर पा रही हूँ उसमें। क्योंकि ये तो ऑनलाइन प्रोसेस ही होता है, इसमें आप राइट कि सब ये कुछ ऑनलाइन है, बट देखिए ना अभी जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है या फिर कर सकते हैं वो सबके लिए तो नहीं कर सकते। सया जी सुनिए ना, एक बात ऐसा है, हाँ। ये जो अभी जो हमारा जो अभी डिस्कशन जो चल रहा है इट इज रिलेटेड टू जेम ओनली, ठीक है, राइट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। हाँ, अभी जो आप जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट इशू हो रहा है, ठीक है, okay. क्योंकि पार्टिसिपेंट जो आते हैं उनको गाइड करना है, उनको हैंड होल्डिंग करना है ना, राइट right. तो वी आर आल्सो डूइंग दैट इन ONGC, अभी प्रपोजल स्टेज में है और हम लोग एक रेसिडेंशियल कोर्स करेंगे जिसमें उसमें पूरा हम लोग जो भी पार्टिसिपेंट सिलेक्टेड रहेंगे उनका पूरा हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको हर चीज का ट्रेनिंग देंगे, वन टू वन डायलॉग होगा, वन टू वन गाइडेंस, वन टू वन डिस्कशन होगा और वो रिगरस ट्रेनिंग होगा। उसके बाद में इवन आफ्टर दैट ट्रेनिंग आल्सो हम लोग फर्दर भी उसका फॉलोअप रखेंगे कि वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे नहीं कर रहे, क्या डिफिकल्टी आ रही है उसमें, हम लोग कैसा हेल्प कर सकते हैं। सो दैट इज इन पाइपलाइन आल्सो, ऑलरेडी इन पाइपलाइन, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, नाउ कुमकुम, या कुमकुम, या आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ इश्यू है आपका साइड से। एनीवे, नेक्स्ट एक दो मनिंदर जी, जी हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये चैट बॉक्स में एक दो क्वेश्चन मुझे, मैं देख रहा था यहाँ से, कैन यू पिक अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम चैट बॉक्स, जी जी जी, देखिए तो जरा उसमें कुछ है तो। हाँ, चैट बॉक्स से, ओके ओके, लेट मी कनेक्ट। हाँ जी, एक मुझे ये दिख रहा था कि, या ये तो हो गया, संजय का तो हो गया, और एक था, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये कुमकुम जी का ये सवाल था, प्लीज गाइड मी फॉर रिक्रूटमेंट सर्विस प्रोवाइडर, इसमें क्या कुछ कर सकते हम लोग रिक्रूटमेंट। सर, वी हैव HR रिसोर्स सब जी, ह्यूमन रिसोर्स सर्विस हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर HR सर्विस ऑफर करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। जी 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 जी, सो आई होप कुमकुम जी आपको ये जो अभी जवाब मिल गया होगा, हाँ,
तो जो एचआर रिलेटेड जितने भी वहाँ पे जो टैब्स है वहाँ देखिए, वहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा आपको इस जेम पोर्टल में, राइट। ओके, नेक्स्ट इज एक और एक क्वेश्चन था, एक मिनट। बाकी एसएस बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कोई है, आप भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए अपने साइड से। जी सर, एक क्वेश्चन है कैलाश जी का। हाँ जी, व्हाट अबाउट इफ एनीवन हैज नॉट फिल्ड आईटीआर येट एंड ही वांट्स टू टेक पार्ट इन अ बिड प्रोसेस, सो व्हाट द प्रोसेस? तो देखिए, अगर आपकी कंपनी 2 साल से ज्यादा पुरानी है तब आईटीआर फिल करना मैंडेटरी है। अगर आपकी कंपनी न्यू स्टार्टअप कंपनी है, 2 साल से कम की पुरानी कंपनी है, तब आप आईटीआर फिल करना मैंडेटरी नहीं रहेगा और आप बिड में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। बट अगर आईटीआर मैंडेटरी है तो आपको आईटीआर फिल करना है, बिना आईटीआर फिलिंग के आप बिड में पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके ओके, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन था एक्चुअली, क्या नाम था? कैलाश, मिस्टर कैलाश। मिस्टर कैलाश, आई होप यू गॉट योर आंसर। ओके कैलाश, हाँ ठीक है। और अब और कैलाश जी का क्वेश्चन, हाँ हाँ, इसके अलावा कुछ अगर रहेगा तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक ये क्वेश्चन ये था, ये रिलेटेड टू दैट एचआर जो आपने बताया ना अभी, कुमकुम मैडम इज आस्किंग हाउ टू डू दैट, व्हाट इज द प्रोसीजर, एंड शी ट्राइड टू गेट इनटू इट बट शी कुड नॉट। सो वो बोल रही कि हाँ थोड़ा बता दीजिए। हाँ इस पर, हाँ जी कुमकुम जी थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। थोड़ा सा एनलार्ज कर दीजिए स्क्रीन को, नहीं So this is HR related service. यहाँ पे अगर आप देखेंगे
यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग सर्विस मिलेगी, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस फिक्स रिनोमरेशन, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस मिनिमम वेजेस बेसिस पे मिलेगी आपको सर्विस, सिक्योरिटी मैन पावर सर्विस, सिक्योरिटी मैन पावर सर्विस जो DGR ने अप्रूव करी है वो है, एंड सिक्योरिटी मैन पावर सर्विस का एडवांस वर्जन भी आपको मिलेगा। इसी तरीके से प्रोफेशनल सर्विस है, प्रोफेशनल IT रिलेटेड, नॉन IT रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप इनका एक बार SLA देख लीजिए और सर्विस डिटेल देख के अगर आप जो भी सर्विस में डील करना चाहते हैं, जिस सर्विस को आप अपलोड करना चाहते हैं वो सर्विस में आप अपलोड कर सकते हैं। तो 5-6 तरीके की सर्विस है, आप उसके में अपनी सर्विस को ऑफर कर सकते हैं। राइट, वेरी नाइस। अगर आप फर्स्ट पेज में तो आप देख सकते हैं, आप एक में हमने मिनिमम वेजेस को फिक्स कर दिया है, तो दो तरीके की सर्विस है, दो तरीके में सर्विस में आप अगर आप ऑफर करना चाहते हैं दोनों में ऑफर कर सकते हैं, और आप किसी एक में ऑफर करना चाहते हो तो किसी एक पे भी आप रख सकते हैं। इसमें क्या रहेगा कि आपका मिनिमम वेजेस अलग अलग हो जाएंगे और हर चीज आपको अलग अलग दिखाई देगी, मिनिमम वेजेस PFESI वगैरह आप सबको अलग अलग डील कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस एक्सक्लूसिव ऑफ GST PF ESI एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। दैट इज देयर, या ऐड कर सकते हैं स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड टाइप ऑफ फंक्शन आप दे सकते हैं, प्रोफाइल की लिस्ट है आप इनको इन प्रोफाइल में देना, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन इनकी, स्पेशलाइजेशन है PG इफ रिक्वायर्ड, स्पेशलाइजेशन फॉर PG है, एक्सपीरियंस है आपके रिसोर्स पर्सन का, तो आप इस तरीके से अपनी सर्विस को ऑफर कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो 4,332 सर्विस प्रोवाइडर्स इस सर्विस को दे रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, या इट्स ओके नो कुमकिन जी, इज ओके नाउ, या करेक्ट, यस ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कुमकुम जी, आई होप यू गॉट योर आंसर, ऑल योर आंसर्स, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। मनिंदर जी, एक और एक क्वेश्चन ये था, मिस्टर जगदीप, एक मिनट, लेट मी अनम्यूट हिम, जगदीप, मिस्टर समुद्रे, या अनम्यूट योरसेल्फ देन आस्क योर क्वेश्चन। मिस्टर समुद्रे, या यस, गुड आफ्टरनून जागेश जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू मिस्टर मनिंदर आल्सो, दिस इज जगदीप समुद्रे हियर, आई हैव अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन पर्टेन्स टू द वेंडर असेसमेंट फीस दैट आर टू बी पेड बाय the new vendors. The amount I believe that Mr. Maninder said was about 13,000 rupees. Yes, sir. Can this be waived for SC ST category, because you are collecting this from everybody else, I believe? Yes sir, definitely. So cannot this can this not be waived off of the SC ST category? That is my first question to you, sir. That's a large amount, in fact. सर, दिस अमाउंट इज ओनली फॉर द OEM, अगर आप रीसेलर हैं तो आपके लिए कुछ डिफरेंट अमाउंट होते हैं बेस्ड अपॉन योर टर्नओवर। तो जो आपने वेव ऑफ की बात करी है, तो कुछ मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे जो कि कैटेगरी के लिए एग्जेम्प्टेड है, जो इस वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जेम्प्टेड होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार वो स्क्रीन दिखा देता हूँ, बोले सेलर से जो आप चाहें तो उनका फोटो क्लिक कर सकते हैं, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन वेरी ये था कि इफ आई एम अ न्यू वेंडर, राइट, और आई एम जस्ट लेट्स से आई एम अ प्रोप्राइटर ऑफ अ स्मॉल फर्म, तो बेसिकली आई डोंट हैव एनी IT रिटर्न्स बिकॉज आई एम अ न्यू वेंडर, लास्ट दो साल का मेरे पास कुछ IT रिटर्न्स नहीं है,
मेरे पास जी. हाँ तो इन दैट केस अगेन एम आई सपोज टू पे दिस 13,000 फीस और वट एवर अदर अमाउंट एज यू सेड इफ आई एम नॉट एन ओईएम आई एम अ रीसेलर लेट अस से तो व्हाट इज द अमाउंट दैट आई वुड हैव टू पे सर रीसेलर के लिए डिफरेंट अमाउंट है अराउंड कितना होगा सर वो 5,000 है 2,000 है 10,000 है नहीं सर वो सर 2,500 के आसपास होगा 2,800 के आसपास होगा हाँ हाँ 2,800 के आसपास वो अमाउंट होगा आपका टर्नओवर कम है तो एंड अगर जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा आपका रीसेलर के लिए भी अमाउंट वेंडर असेसमेंट के लिए बढ़ता जाएगा बट एज ऑफ नाउ दिस वेंडर असेसमेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ रीसेलर कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए हमने मैंडेटरी किया बट सभी कैटेगरीज के लिए अभी वेंडर असेसमेंट जो है मैंडेटरी नहीं है एंड दिस इज द वेंडर असेसमेंट एग्जम्पशन क्लोजेस और आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो कुछ कुछ पार्टीज हैं कुछ कुछ सेलर हैं जो कि वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्प्टेड है पहला है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर का है वो वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्प्टेड कर जाते हैं जो भी सेंट्रल और स्टेट पीएसयूज हैं वो भी वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्प्टेड है जो सेलर वैलिडेट किया है जिनका पैन कार्ड जीएसटी और एमसीए के थ्रू और जो ओईएम नहीं है दे आर ऑल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस वेंडर असेसमेंट फीस तो आप थर्ड पॉइंट में आ सकते हैं ओके ओके जी बट यू विल प्रोवाइड अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप एग्जम्पशन के लिए जाएंगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने हैं क्या है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप पैन नंबर दे सकते हैं वहां पे लिस्ट आ जाएगी कि कौन-कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं ओके जी ओके अगर आप कोई आर्ट वर्क या हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं तब भी आप वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्प्टेड हैं अगर आप ट्रस्टेड सोसाइटी हैं और कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन है आपका तब भी आप वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्प्टेड हैं अगर आप केवीआईसी के वेंडर हैं केवीआईसी डब्ल्यूडीओ कोर बोर्ड प्रीफेड वगैरह के तब भी आप वेंडर असेसमेंट फीस से एग्जम्प्टेड होंगे तो ये पहला पेज है मैं दूसरा पेज भी दिखाता हूँ ये लास्ट पेज है अगर आपके पास एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन है तो आप उसको उसी कैटेगरी के लिए वेंडर असेसमेंट मिलेगा जिस कैटेगरी में आपने एनएसआईसी सर्टिफिकेट लिया हुआ है अगर आपके व्हाट अबाउट बीटूबी सर व्हाट अबाउट बीटूबी रजिस्ट्रेशन एनएसआईसी का बीटूबी रजिस्ट्रेशन अगर वो हमारे पास है तो वुड दैट बी ओके सर एनएसआईसी में लिखा होता है कि वो कौन सी कैटेगरी के लिए आपको मिला हुआ है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बीटूबी बट अगर आपके पास एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन है और उस कैटेगरी के लिए जिस कैटेगरी में आप डील करते हैं तब आपको वेंडर असेसमेंट फीस का एग्जम्पशन मिल जाएगा ओके ओके मिस्टर वनिंदर थैंक यू सो मच आपने मेरा क्वेश्चन आप चाहे तो सर इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं ये वेंडर असेसमेंट एग्जम्पशन के जी 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 थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू जागेश सर जगदीप जी ओके नेक्स्ट इज एक और एक क्वेश्चन था हाँ मरिंदर जी एक ये हमारे ओएनजीसी की ओर से आपको थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये थी क्योंकि थोड़ा समय है हमारे पास अभी तो इसमें थोड़ा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो सर्विसेज है वो कैब हायरिंग सर्विसेज है ना हाँ तो इसमें भी थोड़ा सा जो सेलर्स हैं हमारे जो इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं दो जो आर इंटरेस्टेड इन दिस गुड्स ट्रांसपोर्ट और कैब हायरिंग सर्विसेज और साथ में कस्टम बीड फॉर सर्विसेज वगैरह जो है ये थोड़ा सा अगर उसको कवर करेंगे तो ठीक रहेगा प्लीज जी 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 मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी This is a goods and transport service. जब हम इस सर्विस को ओपन करेंगे तो पेरेंट इसके चाइल्ड सर्विसेज आपको दिखेंगी दिस इज अ चाइल्ड सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस किलोमीटर बेस्ड के हिसाब से गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस मैट्रिक टन पर किलोमीटर बेस्ड के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देंगे ट्रिप बेस्ड सर्विस आपको मिलेंगी एंड पैकेजिंग सर्विस पर मैट्रिक टन सर्विस एंड मंथली बेस्ड सर्विस तो आपके पास छह तरीके की सर्विस है गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट की और आप सभी कैटेगरी में डील कर सकते हो सभी कैटेगरी को आप अपने सर्विसेज अपलोड कर सकते हैं और कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में आप डील करना चाहें तो पर्टिकुलर कैटेगरी में भी आप जा सकते हैं तो सपोज कीजिए मैं ये
पर मैट्रिक टन पर किलोमीटर बेस्ड के अकॉर्डिंग सर्विस ऑफर करनी है, तो मैं इस पर जाके अपनी सर्टिफिकेट और रेटशीट अपलोड कर सकता हूँ। राइट, तो यहाँ पे आपको इसका सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी मिलेगा, दिस इज एसएलए, आप एसएलए में जाके देख सकते हैं कि ये सर्विस किस तरीके से काम करेगी, स्कोप ऑफ सर्विस, आपकी जो ट्रक का नेचर है वो किस तरीके का होगा, और इसमें आपको एजम्पशन वगैरह भी दिखेंगे। और आपको कुछ अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेनल्टीज और फाइन किस तरीके से लगा सकते हैं उसकी भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर इसके बाद आप अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं, इसमें नेचर ऑफ गुड्स होता है कि आप किस किस तरीके का गुड्स ऑफर कर सकते हैं, हाउस होल्ड, ऑफिस, एग्रीकल्चर, तो आप अगर आप सभी दे सकते हैं तो सभी आप चूज कर सकते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में करना चाहें तो पर्टिकुलर कैटेगरी भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइप ऑफ ट्रक, तो टाइप ऑफ ट्रक आपको किस तरीके का होगा, ओपन ओपन बॉडी है, पिकअप ट्रक है, ओपन बॉडी एलसीवी ट्रक है, रेफ्रिजरेटर ट्रक एक्सेट्रा, तो आप इनको भी चूज कर सकते हैं। वेट और साइज भी आप चूज कर सकते हैं, लाइट वेट, मीडियम वेट, और ये लाइट वेट कितने कितने वेट तक का होगा ये आपको एसएलए के अंदर मिल जाएगा कि लाइट वेट हम किसको कंसीडर करते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको एसएलए के अंदर मिल जाएगी। टाइप ऑफ ट्रेवल है आपका विद इन सिटी, आउटसाइड सिटी, विद इन स्टेट, और किलोमीटर रेंज हो जाएगा आपका कितना किलोमीटर तक आप ऑफर कर सकते हैं, 0 to 50, मोर देन 50, और अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव सम एडऑन्स, तो आप एडऑन्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक लोडिंग, अनलोडिंग, इफ जीपीएस इज अवेलेबल, ट्रांसिट, तो ये सारी फील्ड्स आपको मिलेंगी, आप इसे ऐड कर सकते हैं। और आप एडऑन्स के लिए कितना चार्ज पे कितना चार्ज लेना चाहते हैं वो भी आपसे फिल करवाने के लिए पूछा जाएगा, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे आपको गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के। मैंने आपको एक सर्विस का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से बाकी सर्विसेज में भी आपको दिखाया जाएगा, बाकी सर्विस भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव अ ऑप्शन ऑफ कस्टम बिड फॉर सर्विसेज, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो बायर उनकी कस्टम कैटेगरी बना के बिड बना सकते हैं, तो अगर आप कस्टम कैटेगरी वाली बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी कस्टम कैटेगरी अपलोड करनी है, पहले आपको अपनी कस्टम कैटेगरी में अपनी सर्विसेज अपलोड कर देनी है, इसके बाद आप कस्टम कैटेगरी फॉर सर्विसेज वाली बिड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर आप सर्च करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन कस्टम बिड फॉर सर्विसेज, आप इस तरीके की सर्विसेज में जाके वहां पे क्लोजेज आएंगे कि आप ये सब चीज ऑफर कर सकते हैं, आपको सभी में यस यस चूज कर लेना है और आपकी सर्विसेज मार्केट में लाइव हो जाएगी, इसमें कोई भी चेक नहीं होते, जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे अपनी सर्विस को सबमिट कर देंगे, विद इन 15 मिनट आपकी सर्विस मार्केट में लाइव हो जाती है। बाकी सर्विसेज में टाइम लगता है सर्विसेज लाइव होने में, लेकिन जो कस्टम बिल फॉर सर्विसेज वाली सर्विस है उसमें इंस्टेंटली आपकी सर्विस मार्केट में लाइव हो जाएगी विद इन 15 मिनट। सो दिस इज अ कस्टम बिड फॉर सर्विस, यहाँ पे जाके आपको सब में यस यस चूज कर लेना कि आप ये सारी चीज को कंप्लाइंस करते हैं, और फिर आपकी कस्टम बिड फॉर सर्विसेज मार्केट में लाइव हो जाती है। इसके बाद जो भी बिड आएगी कस्टम बिड की सर्विसेज वाली, आप उस सर्विस की बिड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपको ऑनगोइंग बिड में जाना है, ऑनगोइंग बिड में जाने के बाद आपको सर्विसेज वाली बिड सेलेक्ट करनी है, कस्टम बिड फॉर सर्विसेज वाली, और आप बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे आप लिस्ट ऑफ बिड्स ओपन करते हैं एक नया फील्ड मिलेगा आपको, कस्टम आइटम बिड और आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके कस्टम बिड सर्च कर सकते हैं आइटम वाइज और बिड नंबर वाइज। ऑल्सो लेट मी टेक, केबिन हायरिंग सर्विस भी अवेलेबल है, आप उस सर्विस में भी ऑफर